हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वापस आ गई हूँ एक और खतरनाक सा ड्रामा लेकर। खतरनाक इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप लोग एंड तक देखोगे तो समझ में जरूर आएगा। ये ड्रामा एक ही पार्ट में खत्म होने वाला है। एपिसोड स्टार्ट करते ही एपिसोड की स्टार्टिंग होती है सिनलू के बॉयज वर्सेस। सिनलू ड्रामे की फीमेलिटी थी, वो एक रेस्टोरेंट के अंदर जा रही होती है। अंदर था हमारे ड्रामे का मेल जिसका नाम एजेन है और उसके पापा जेंग और साथ में एक और लड़की जिसका नाम था शिया। और उसके बाद वो वहाँ पर जा रही होती है और वो ऐसे बोल रही थी कि मैं इस फैमिली की एलिजमेंट चाइल्ड हूँ सबको लगता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने बस उन लोगों को एक दिन दिला के रखा हुआ है। मैं यहाँ पर मिस्टर जेंग की पूरी फैमिली को तबाह करने आई हूँ क्योंकि उस बंदे की वजह से जिस माँ ने मुझे एडॉप्ट किया हुआ था उनकी मौत हो गई थी, ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद वो इंटर करती है और सीधा एजेन के साइड पर जाके बैठती है और बोलती है आप लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो। वो बोलता है यहाँ पर ब्लाइंडेड। ये सुनने के बाद सिंधू बोलती कि ओ भाई आप ब्लाइंडेड पे हो, और ऐसे उसे देखती है और बोलती है कि कितना टेस्टी केक लग रहा है, मैं चख लूँ। और उसके बाद वो एजेन के प्लेट से वो केक जो था वो उंगली से टेस्ट करती है और बोलती है काफ़ी टेस्टी है। और उसके बाद वो ऐसे शिया पूछती है ये कौन है, तभी पापा बोलते हैं, पापा यानी कि जेन एजेन का पापा, वो बोलते हैं ये मेरी बेटी है। ये सुनने के बाद वो बोलती है अच्छा मतलब तुम दोनों भाई बहन हो। ये सुनने के बाद सिंधू बोलते हैं हाँ हम दोनों भाई बहन हैं। और उसके बाद वो एजेन के साइड पे आते हैं, बोलते हैं कि हम लोगों को एक जैसे नहीं दिखते क्या। सुनने के बाद पापा बोलते हैं कि भाई बहन सबके एक ही जैसे दिखते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और ये सुनने के बाद जो सिंधू थी वो बोलती है पर मैं ना जाए बेटी हूँ पापा की। तभी पापा गुस्से में आते हैं, वो बोलते हैं चुप करो। तभी वो बोलते हैं कि मम्मी इसमें क्या शर्माने वाली बात है, पापा आपने मेरी मम्मा को ऐसे रास्ते पर छोड़ दिया था ना मरने के लिए क्योंकि मैं इस नाजायज बेटी हूँ और एजेन आपकी असली वाइफ का बेटा है, लीगल वाइफ का, ऐसा वो बोलती है। तभी पापा को गुस्सा आता है और उसके मुंह पर पानी फेंकते हैं। और उसके बाद वो ऐसे रोने का ड्रामा करती है। और उसके बाद एजेन बोलता है जाओ वॉशरूम में अपना अपने आप को साफ करो। और उसके बाद वो फिर से बोलता है रुको और वो ऐसे रूम का की काट देता है और वो बोलता है यहाँ पर जाके अपने आप को क्लीन अप करो, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद जो सिनलू थी वो उस वहाँ की तरफ के लिए निकल जाती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है अगली वाले सीन में वॉशरूम में, ऐसे वो अपना कपड़ा बदल रही होती है और वो एक फॉर्म था मतलब वो शेविंग वाला फॉर्म उसको हाथ पर लेती है और उसको देख रही थी। तभी वहाँ पर एशियन आ जाता है। और उसके बाद सिंधू ऐसे उस फॉर्म का हाथ पे लेती है और बोलती है भाई ये फॉर्म तो काफ़ी अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे सुनने के बाद वो उसे उठाता है और वो ऐसे मिरर के साइड पर रखता है और बोलता है तुम्हें पसंद आया। तभी सिंधू बोलते कि हाँ। तभी एजेन बोलता है तो तुम्हें बहुत कुछ पसंद आएगा। उसके बाद दोनों का भयंकर वाला रोमांस स्टार्ट होता है। देर तक वहाँ पर जाने के बाद सिंधू बोलते हैं कि अगर पापा को पता चलेगा तो क्या होगा, हम दोनों तो भाई बहन हैं ना, आप बड़े घर के बेटे और आपकी माँ तो एक रिच गर्ल थी, मेरी माँ तो रास्ते चलते औरत थी और पापा ने तो मुझे ऐसे ठुकरा दिया था, हमारा रिश्ता सही है क्या, ऐसा वो बोलती है। सुनने के बाद जो एजेन था वो उसे एक रिपोर्ट दिखाता है और वो बोलता है पर ये जाने रिपोर्ट तो ये बोल रहा है कि हम दोनों में बिल्कुल कोई रिश्ता नहीं है, नो ब्लड रिलेशन, और तुम मेरी बहन हो ही नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो मेरी बहन होने का। ये सुनने के बाद जो सिंधू थी वो बोलती है ऐसे अच्छा आपको पता चल गया, ऐसे हाँ मैंने झूठ बोला हुआ है लेकिन आपकी शक्ल कुछ और बता रही है ना, आप खुश क्यों लग रहे हो अगर आपको पता चला कि मैं आपकी बहन नहीं हूँ। ऐसे सुनने के बाद वो उससे बोलता है तुम आग से खेल रही हो, वो बोलती है कि मुझे यही मजा आता है। और उसके बाद दोनों का बहुत ज़्यादा खतरनाक वाला रोमांस स्टार्ट हो जाता है और सीन यहीं पर कट हो गया। और यहाँ पर हमें पता चला जो सिंधू थी वो अभी ये सब कुछ ऐसे फ़ोन ऑन करके रिकॉर्ड कर रही थी। सुबह वाला सीन जब जिंगजेन एजेन अपने आँखें खोलता है उसे ऐसे देख रहा होता है और उसके बाद वो उसे देखती है और उसके बाद एजेन बोलता है तुम्हें जगह पसंद आया। इस सुनने के बाद सिंधू बोलते हैं हाँ मुझे बहुत पसंद आया। ये सुनने के बाद एजेन बोलता है तो तुम इसको रख सकती हो बाद में अगर तुम्हारा हो जाएगा। ये सुनने के बाद सिंधू बोलते हैं कि इसका मतलब ये मेरे लिए गिफ्ट है और फ्यूचर में अगर तुम शादी करने के बाद चीट करोगे तो ये पर हम मिलेंगे ना। ये सुनने के बाद वो उससे बोलता है मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ, जाओ पापा को बताओ कि तुम उनकी बेटी नहीं हो, मैं तुम्हें अच्छे से समझा रहा हूँ, अगर तुमने ये सब कुछ नहीं किया तो तुम्हारे लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये सुनने के बाद वो उसे
बोलती है अगर मैं ना बताऊँ तो क्या होगा। ये सुनने के बाद ईशन बोलता है तुम आग से खेल रही हो, अगर आग से खेल रही हो ना उस टाइम पे ये भी समझ जाना कि तुम खुद भी जल जाओगे और तुम्हारे साथ वही होगा, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद वो वहाँ से निकल लेता है। और उसके बाद जो शिनलू थी वो अपने फ़ोन को निकालती है और उसके बाद वो वीडियो रिकॉर्ड जो हुआ था उसको देखती है और रोमन ही मन में सोचती है कि चलो अब सो टाइम आ चुका है और इनको इनके असली अवकाश दिखाया जाए, ऐसा वो मन ही मन में सोचने लग जाती है। अब अगले सीन में दिखाया जाता है घर पे जाने के बाद ईशन तो साइड पर ही काम कर रहा था। पापा जो होते हैं, मतलब इस बंदे का नाम जेंग है लेकिन मैं पापा बोलूँगी, आप लोग ज़्यादा समझोगे। और वो ऐसे पहले तो शिंदु को एक तमाचा लगाता है, वो बोलता है कल रात कहाँ पर थी, उसे डांट लगाने लग जाता है। टिपिकल फादर जो होता है ना, मतलब रात पर कहाँ थी लड़की हो ऐसे क्यों बैठ रही थी वो वाला। तभी शिंदु बोलती है कि पापा मैं बड़ी हो चुकी हूँ, आप मुझे इस तरह से कंट्रोल क्यों कर रही हो, क्योंकि मैं आपकी नाजायज बेटी हूँ। इसलिए ये सुनकर तो बोलता है कि चुप करो, इसके बारे में कभी ऐसे जिक्र मत करना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद वो बोलता है आप चुपचाप रेडी हो जाओ, तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता आया है। मिस्टर गु का कोई गोल धाम का इंसान था लेकिन ये समझ लो कि वो बंदा काफ़ी बुढ़ा था, मतलब इस एज की लड़की को शादी करने वाला एज इसका नहीं था, क्योंकि अब ये पापा तो नाजायज पापा था, इसी चक्कर में अब बेचारी फंस गई। वो बोल रहा होता है हमें बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है तो चुपचाप तुम रेडी हो जाओ, आज तुम्हारे रिश्ते की बात होगी। ये सुनने के बाद वो बोलती है कि पर इतने बुरे इंसान के साथ आपको लगता है मेरी शादी होनी चाहिए, मैं डिजर्व करती हूँ। ये सुनने का तो बोलता है कि तुम ये सब कुछ डिसाइड करो, इस एज में नहीं हो। वो सुनने का तो बोलता है कि कोई बात नहीं पापा, आपकी खुशी मेरी खुशी है, मैं कर दूँगी, बोल के वहाँ से चली जाती है। और उसके बाद जो ईशन था वो स्माइल करता है। अगले सीन में दिखाया जाता है शिनलू ड्रेस चेंज कर रही होती है, तभी वहाँ पर आता है हमारा हीरो ईशन। और उसके बाद उसका जो जीप था वो बंद करने लगता है और उसे ऐसे पहले तो इसके शोल्डर पे किस करता है और बोलता है मैंने जो ऑफर दिया है तुम्हें वो अभी भी वैलिड है, जाओ पापा को बताओ कि तुम उनकी बेटी नहीं हो, अगर ये तुमने बता दिया तो तुम्हें अच्छा खासा लाइफ मिलेगा, मैं तुम्हें बिल्कुल कुछ नहीं करूँगा और तुम हमारी फैमिली से आउट हो जाओगे, लेकिन अगर तुमने ये सब कुछ नहीं किया है ना तो अभी भी मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। ये सुनने के बाद शिनलू बोलती है एक बात बताओ प्रॉब्लम क्या है आपको, आपको इस बात से प्रॉब्लम है कि मैं आपके घर पे बैठ रही हूँ आपकी बहन बन के, जिसको आप पे आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है जिस पर, या फिर इस बात का प्रॉब्लम हो रहा है या कि पापा ने किसी और से मेरी शादी पक्की कर दी और वो इंसान काफ़ी ज़्यादा वेल एस्टैब्लिश्ड है सेटल है तो मैं तो शादी कर लूँगी, जेल जेल सो क्या। ये सुनने के बाद ईशन बोलता है कि जेल और वो भी मैं, तुम्हें लगता है कि तुम इतनी ज़्यादा कैपेबल हो, तुम इतने लायक हो कि मैं तुम्हारे बारे में ये सब सोचने लगूँ। तभी सिंधू बोलती कि अगर जेलस नहीं हो तो इतना बुरा फील क्यों हो रहा है, ऐसे भी अगर मैं तुम्हारे साथ रहूँगी तो मैं तो तुम्हारी मिस्ट्रेस बन के रहूँगी ना, या फिर तुम मुझे शादी करोगे, अगर तुम मुझे लीगली अपनाओगे तो हाँ मैं सोच सकती हूँ, पापा को मैं बता दूँगी कि मैं उनकी बेटी नहीं हूँ, वरना तो इस तरह से मेरे ऊपर हक जताना बंद करो। तभी उसे कान में बोलता है कि तुम ना अपने औकात से ऊपर वाले सपने देख रहे हो और मेरी बीवी बनने का सपना देखना बंद करो, क्योंकि वो तो इस जन्म में होने वाला है नहीं, तुम जैसी लड़कियों को ना मैं अपने पैरों की जुत्ती बनाना प्रीफर करता हूँ बीवी बनाने से, ऐसा वो बोलता है। सुनलू बोलती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अब मुझे भी इस तरह से डराना धमकाना बंद करो, मेरे पास बहुत सारे रास्ते हैं तुम्हारे घर में रहने के। सुनने के बाद ईशन बोलता है तुम किस मकसद से यहाँ पर आई हो, मैं बहुत जल्द पता लगा लूँगा। सुनलू बोलती है कि कोई बात नहीं पता लगा लो, आई डोंट केयर, ऐसा वो बोलती है। और सीन कट होता है। अगले सीन में पापा उसे डांट रहे होते हैं क्योंकि मैडम के ज़्यादा अच्छे कपड़े थे नहीं, तो उसे कोई और अच्छा सा कपड़े पहनने के लिए वो एक लड़की आके दे देती है जेंग के कहने पर। और उसके बाद वो ड्रेस पहन के आती है जिसपे वो काफ़ी खूबसूरत लग रही होती है। शिनलू मिस्टर गु से मिलने के लिए एक कमरे में जाती है जहाँ पर पापा ने भेजा हुआ था। इस बंदे का ना कुछ और ही प्लान था। वहाँ पर जाने के बाद शिनलू अपने फ़ोन को निकालती है और बोलती है मिस्टर गु आपको मुझसे शादी करनी है, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन मुझे कुछ दिखाना है, बोल के वो वीडियो प्ले करती है जहाँ पर वो ईशन के साथ इंटीमेट हो रही थी। और उसके बाद जो बंदा था मिस्टर गु उसको बोलता है अच्छा तो तुम्हारा ये प्लान था, और वो कैब खोलता है, बाद में पता चला ये तो ईशन ही था, वो उसके आगे बढ़ता है।
और शिनलो पीछे पीछे होने लगती है। वो बोलता है, एक बात बताओ, तुम मेरी फैमिली में आए क्यों हो? तुम मुझे इस्तेमाल कर रहे हो, मेरा इस्तेमाल कर रहे हो, तुम चाहती क्या हो? मेरे फैमिली ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा हुआ है? मैं तुम्हारा प्लान तो समझ चुका हूँ, तुम हमारी फैमिली को तोड़ने के लिए आए हो, अब बताओ क्यों आई हो? तभी जो शिनलो थी वो बोलती कि क्या बोल रहे हो तुम, मुझे नहीं पता तुम किसकी बात कर रहे हो। ऐसे सुनने के बाद सीधा उसका गला पकड़ता है और बोलता है कि मैं तुमसे बोल रहा था, तुम आग से खेल रहे हो और तुम बिल्कुल भी नहीं डर रहे हो। मुझे लगता है या तो तुम एक नंबर की बेवकूफ़ हो, या तो तुम्हें ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट है कि तुम्हें लग रहा है जेंग फैंग से इस तरह से टकराने के बावजूद भी तुम जिंदा यहाँ से जा पाओगी। ये सुनने के बाद शिनलो बोलते हैं कि यहाँ पर तुम इसलिए आए हो क्योंकि तुम ये बर्दाश्त नहीं कर पाए कि मैं किसी और के बेड पर जाने वाली हूँ, वो भी तुमसे दुगने उम्र के आदमी के बेड पर, जो तुम्हारी ना हो पाए, किसी और की होने वाली है। ये सुनने के बाद ईश्वर को बहुत गुस्सा आता है और उसे बोलता है, तुम इतने लायक हो नहीं कि तुम मेरे लिए कुछ स्पेशल करवा पाओ, और एक बात याद रखना, तुम अभी भी पीछे हट सकती हो, अगर आगे बढ़ी तो उसके बाद तुम कहीं के नहीं रह जाओगी। ये सुनने के बाद सिंधु बोलती है, अगर मैं मना करूँ तो? ये सुनने के बाद ईशन बोलता है, तुम्हें बहुत हिम्मत है, पता नहीं तुम यहाँ पर क्यों आई हुई हो, लेकिन लेट मी टेल यू, मैं भी अपने पापा को और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ जो तुम इमेजिन भी नहीं कर सकती। तुम इतनी उम्र में ये सब कुछ कर सकती हो तो मैंने बहुत कुछ देखा हुआ है, एटलीस्ट तुमसे तो उम्र में मैं बहुत बड़ा हूँ, तो उस टाइम पर तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा, ऐसा वो बोलता है। इतना ज़्यादा कोजी कोजी बनते हुए जिया देख लेती है और उसके बाद वो अपनी फ्रेंड को बोलती है, इसका तो कुछ करना पड़ेगा वरना तो ये अपने खुद की फैमिली में रहकर मुझे आउट करेगी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो सिनलो थी उसको ऐसे बारिश के समय पे बाहर ऐसे बंद करवा दिया जाता है, वो अंदर आ नहीं पा रही थी तो वहाँ पर पूरी तरह से सिकुड़ गई थी बेचारी, बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ गई थी। और हमें दिखाया जाता है अगले सीन में कुछ समय बाद आता है जिनचेन ईशन वहाँ पर, और उसके बाद ऐसे बाहर के से अंदर लाता है और बोलता है, आज के बाद मैं तुम्हें बिल्कुल भी किसी और से बुरी होने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें आखिरी बार चांस दे रहा हूँ, जाओ सब कुछ सच बताओ, अगर तुमने सच नहीं बताया ना उस टाइम पे तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, जो तुम्हारे लिए तुम्हारे साथ होगा उसके लिए तुम खुद जिम्मेदार हो। ये सुनने के बाद सिनलो उसे बोलती है, तुम बहुत अच्छी हो, थैंक यू, और उसके बाद उसे किस करने लगती है, भयंकर वाला दोनों का रोमांस। और साथ में अचानक से लाइट टर्न जहाँ पर ईशन और सिनलो थे, तो बाद में पता चला ये तो पार्टी का मेन एरिया था जहाँ पर सब लोग दोनों का सीन देख रहे थे। सब लोग शॉक में आ जाते हैं, ईशन को समझ में आ जाता है ये क्या चल रहा है। और उसके बाद सिंधु उसे बोलती है, भाई मैंने बोला था ना मुझे पीछे बिल्कुल भी नहीं हटना, और अब सोचो ये सब कुछ होने के बाद क्या जवाब दोगे, तुम्हारी तो फ्रेंड्स है, तुम्हारी किसी और से शादी होने वाली है और तुम खुद के सिस्टर के साथ सब कुछ कर रही हो, टू बैड। सब लोगों को शौक इसलिए लगा था क्योंकि सिनलो और ईशन दोनों भाई बहन होने के बाद भी ये सब कुछ कर रहे हैं। और उसके बाद ईशन उसे बोलता है, आर यू श्योर तुम्हें ये सब कुछ करना है, मैं तुम्हें अभी भी चांस दे रहा हूँ, पीछे हटो तुम्हारे लिए बहुत प्रॉब्लम होगा, तुम जितने आगे स्टेप आओगे उसके बाद तुम ना पीछे जाने में वही इतना ही तक इसे बहुत प्रॉब्लम में आओगी। ये सुनने के बाद सिनलो बोलती है, एक्चुअली मैंने बहुत सोचा कि मैं अपने भाई की साइड पे रहूँगी, मैं गुड सिस्टर बनूंगी, लेकिन मुझसे नहीं हो पाया, मुझे ना जो मजा आए तुम्हारे एक इंसान में आएगा वो तुम्हारे साथ रहकर नहीं आएगा, सॉरी भैया, ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद जैसे ईशन बोलता है, अब ना तुम मुझे बिल्कुल भी ब्लेम मत करना तुम्हारे साथ जो भी होगा उसके लिए। और उसके बाद पापा बोलते हैं, ये दोनों तो भाई बहन है, और ऐसे बातें कर रहे थे। सिंधु बोलती है, ये बातें तो नहीं लग रहा था ना, सब लोग भी वही बोलते हैं। और उसके बाद जो शिया थी वो जाती है ईशन के पास और बोलती है, ये दोनों भाई बहन है। और उसके बाद वो बोलती है, और मेरे फ्रेंड से जो भी करे मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोगों को तो पता है ना अपर क्लास में क्या क्या होता है, और बड़े लोग ऐसे छोटे मोटे चीज़ों पे बिल्कुल भी इस तरह से इश्यू नहीं बनाते, ये दोनों भाई बहन है। और हाँ, ईशन ने अपनी बहन को कुछ ज़्यादा ही स्पॉइल करके रखा हुआ है, तो इसका ही नतीजा आपको देखने को मिला, लेकिन आई होप यू वॉन्ट माइंड, ये सब कुछ दोबारा नहीं होगा, मुझे अपने फियांसे पे पूरा ट्रस्ट है, मेरा फियांसे कुछ भी करे वो टाइम पास था, वो मेरे साथ सीधे से मुझे पता है, और मैंने इतनी आज़ादी उसको दे रखी है। ये सुनने के बाद जो हमारा ईशन था वो बोलता है, आपने सुना ना क्या कहा मेरी फियांसे ने, मेरी फियांसे का नाम सिया है और जो अभी मेरे साथ है वो मेरी बहन थी और उसकी थोड़ी सी बदतमीजी बढ़ गई है, तो उसको मैं अच्छे से सबक सिखाई जाऊँगा क्योंकि वो थोड़े बाद में आया हमारी फैमिली में, तो
हमारे फैमिली के ऐसे जो भी संस्कार है वो सीख नहीं पाए, तो इतना बड़ा इश्यू नहीं है, सब लोग कैजुअली ले लेते हैं। और उसके बाद जो ऐसे शिया बोलते कि तुम्हारी हिम्मत कैसी है, तुमने सोच भी कैसे लिया कि इस इनके लाइफ में तुम मेरी जगह ले पाओगी, तुम्हारी इतनी औकात है, ये सब कुछ तुम्हारी लाइफ में ना बहुत मैटर करता होगा, लेकिन मेरी तो बहुत कैजुअल सी बात है, क्योंकि तुम्हारी औकात और मेरी औकात बहुत ज़्यादा फ़र्क है, तुम मेरे लेवल पर कभी आ नहीं सकती। और उसके बाद ईशन बोलता है, सुना तुमने मेरी फियांसी ने क्या कहा, तो माय डियर सिस्टर तुम्हारा प्लान यहीं पर फ्लॉप हो गया, बाय बेबी, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद शिया को लेकर वहाँ से चला जाता है, और शिनलो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। सो अब दिखाया जाता है सिंधु देखती है पार्टी में सब लोग ना अपने मजे में है, कोई भी उसकी बात पे ध्यान नहीं दे पाया, उसका प्लान फ्लॉप, उसका गुस्सा सातवें आसमान पे चढ़ा हुआ था, तभी पापा उसे एक तमाचा लगाते हैं। और उसके बाद तभी सिंधु बोलती है, एक बात बताओ पापा, ऑलरेडी भाई ने अपना सिचुएशन संभाल लिया ना, तो अब सबको पीछे दोबारा सोचने के लिए क्यों मजबूर कर रही हो, जिन कुछ कर नहीं पाता। और उसके बाद सिंधु ऐसे बहुत गुस्से में थी, तभी ईशन उसे अपने पास ले आता है और बोलता है, अब तुम्हें समझ आ गया होगा ना, आज का सबक तुम्हारे लिए बेस्ट था, अब तुम दोबारा फिर से गलती नहीं करोगी। ये सुनने के बाद वो उसे बोलती है, आज का जो भी किया उसके लिए थैंक यू, लेकिन मेरे पास 100 प्लान है तुम्हारे साथ क्या क्या करना है उसके लिए। ये सुनने के बाद वो उसे बोलता है, अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती तो वो क्या सोचती। वो बोलती है, अपनी गंदी जुबान से मेरी माँ के नाम लेना भी मत, तुम्हारा पापा तुम्हारे लिए आइडल होगा, लेकिन वो कितना घटिया है मुझे पता है, ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद उसे कहीं पर के जाता है, जहाँ पर जिस लड़की के साथ मिलकर सिया ने उसको बाहर पानी में फेंकवा दिया था, उस लड़के की अच्छी खासी धुलाई हो चुकी थी। और उसके बाद सिया भी वहाँ पर थी और अपनी फ्रेंड को ऐसे देख के बहुत सैड होती है। और उसके बाद वो ऐसे जो ईशन था उसे बोल रही थी कि नहीं मेरी कोई गलती नहीं, मुझे नहीं पता इसने क्या किया हुआ है और मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। अभी जो शिलो थी उसे देखता है ईशन और बोलता है, मेरी बहन को अगर कोई बुली करता है ना, उस टाइम पे मैं उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। और उसके बाद वहाँ पर जो लड़की थी उसके पापा आगे सॉरी बोल रहे थे और वो अपनी बेटी को पीट रही होती है। और उसके बाद वो सिंधु को एक और जगह पे ले जाता है, तभी सिंधु बोलती है कि तुम ये सब मुझे मस्का लगाने के लिए कर रहे हो ना, तुम मुझे प्लीज करने के लिए। इसने के बाद वो उसे बोलता है, नहीं ये तो बिल्कुल भी नहीं। और उसके बाद सिंधु बोलती है, ठीक है तुम क्या करना चाहते हो मेरे साथ, मुझे मार डालोगे, चलो मारो। इसने के बाद ईशन बोलता है, नहीं एक्चुअली मैं मारूंगा तो तुम्हें मज़ा ही नहीं आएगा ना, तुम मर जाओगी तो मुझे क्या मजा आएगा, मुझे तो कुछ और चाहिए, तुम्हें लगता है कि तुम मरोगी मैं तुम्हारी जान ले लूँगा, उस केस पे मेरा बदला पूरा होगा या फिर मैं तुम्हें रोक पाऊँगा, मेरे पास तुम्हें मारने के अलावा भी 100 चीज़ें 100 तरीके जिसकी वजह से तुम्हारी लाइफ उससे भी ख़राब हो जाएगी। आखिरी बार बोल रहा हूँ, ये सब कुछ करना बंद करो, मुझे परेशान करना बंद करो, मेरी फैमिली को हाथ लगाना बंद करो, क्योंकि अगर तुम अपनी माँ के लिए यहाँ पर आ सकती हो तो मैं अपनी फैमिली को बचाने के लिए किस लेवल तक जा सकता हूँ, ऐसा वो बोलता है। और तभी वहाँ पर कपड़े लेके एक बंदा आता है और वो बोलता है, मैम के लिए कपड़े। तभी ईशन बोलता है, नहीं इससे डिजर्व ऐसे सब कुछ नहीं चाहिए, ये ऐसे ही मरना डिजर्व करती है, बोल के वहाँ से वो चला जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है ईशन को उसके पापा पीट रहे होते हैं और वो बोलते हैं, अगर वो मेरी बेटी ना होती, मेरी खून ना होती तो मैं उसकी जान ले लेता। ये सुनने के बाद ईशन मन ही मन में सोचता है, अगर मैं उनको सच बताऊंगा तो उसकी जान ले लेंगे और मैं ये नहीं चाहता। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है अगले वाले सीन में, जो शिनलो थी वो ऐसे सो रही थी और वो बहुत ज़्यादा रो रही थी और वो बोल रही थी मम्मा मम्मा। और तभी उसके पास आता है, उसे फीवर था, उसके सर को चेक करता है, उसे सडनली अपने पापा की बात आती थी कि या तो कंपनी या तो शिनलो, दोनों में से एक को चूज करो वरना तो तुम्हें मैं अपने बेटा भी नहीं बोलूंगा। ये सुनने के बाद वो ऐसे फिर से मतलब फ्लैशबैक के वाला टाइम याद करता है और वो काफ़ी घबरा जाता है और ऐसे वहाँ से जाने वाला था। वो सोचता है कि मैं तुम्हें नहीं चूज कर सकता, मैं मेरे पापा के साथ रहूँगा, पापा ने मेरे लिए बहुत कुछ किया हुआ है। और तभी उसे रोकती है और उसके हाथ को पकड़ती है, बोलती है कि तुम यहाँ पर मुझे देखने आए हो। ये सुनने के बाद वो उसे बोलता है नहीं और वहाँ से चला जाता है। तो हम देखते हैं अगले वाले सीन में, जो थी उसको फैमिली से ऐसे ज़बरदस्ती शादी के लिए रेडी किया जाता है, जहाँ पर उसके एक ओल्ड मैन से शादी होने वाली थी और उसके बाद वही मिस्टर गु। और उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है
जो शिनो थी बोले थे नहीं मुझे शादी नहीं करनी, वो बोलते हैं कि तुमने जो कांड किया हुआ है पार्टी में उसके लिए तो तुम वही डिजर्व करती हो। और उसके बाद वहाँ से जो ईशन था जाने वाला था वो उसे बोलते हैं मेरी मदद करो भाई, तभी वो बोलता है कि तुम ये सब कुछ चाहती थी ना, तो तुम्हें वही सब कुछ मिल रहा है, व्हाई शुड आई केयर अबाउट यू, ऐसा बोल के चला जाता है। तो अब हमारी बंदी दुल्हन बन के आती है, काफ़ी प्रीटी लग रही होती है। और उसके बाद वहाँ पर दुल्हन बन अंदर जाने के बाद सब लोग बोले थे ये लड़की तो बहुत खूबसूरत थी, मुझे समझ में आ नहीं रहा कि जेंग अपनी बेटी के साथ इतने बुढ़े आदमी से क्यों कर रहा है। और कुछ लोग ऐसे मतलब होता है ना दो चार बातें कर ही रहे होते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है वो बंदा आता है जिसके साथ उसकी शादी होने वाली थी, तो रिचुअल स्टार्ट होता है। तभी वहाँ पर ईशन भी आता है और ईशन उसे बोलता है क्या तुम सच में सब कुछ करना चाहती हो, ये सब कुछ यहीं पर रोक दो। ये सुनने के बाद जो चिल्लु थी वो बोलती कि नहीं मुझे तुम्हारी फैमिली को तोड़ना है, तुम्हारी फैमिली को तबाह करना है, इसके लिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ेगा। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो एक वीडियो प्ले करवाती है जहाँ पर अब जाके रियल हनीमून वाला मोमेंट सब कुछ मतलब लाइव देख रहे थे लोग। और ये देखे तो सब लोग शौक में आ जाते हैं। और उसके बाद इवन पापा को तो ना शौक ही लग गया था, मतलब इतना कुछ हो गया, रेपुटेशन सब ऐसे धज्जियाँ उड़ जाती है। और उसके बाद अब सब लोग ऐसा होता है शादी तो हो नहीं पाता, और जो बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर को देने वाला था वो भी नहीं दे पाता। और उसके बाद एक ओल्ड मैन आते हैं जो जिसको हमारी शिनलु ग्रैंडपा बोल रही थी, वो आके बोलते हैं इतना कुछ होने के बाद अब ईशन इस कंपनी का CEO नहीं बन सकता, CEO हम बदल रहे हैं। और सीन यहीं पर ऐसे ही बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक तरीके से यहीं पर रुक जाता है। और उसके बाद ईशन उसे बोलता है क्या तुम्हारा प्लान ये सब कुछ था, शिनलु बोलती है इससे भी ख़राब, जो तुम्हारी फैमिली को पूरी तरह से तबाह करेगा, अरे मेरी माँ का मौत का बदला बहुत अच्छी तरह से लेगा, ऐसा वो बोल रही होती है। तो हम देखते हैं अगले वाले सीन में, इस बात की वजह से जेंग ग्रुप के सारे शेयर प्राइस गिर चुके थे क्योंकि उसका जो कंपनी का CEO था वो सब कुछ इतना कुछ कांड कर रहा था अपने खुद की बहन के साथ। और उसके बाद अब हमें पता चला जो शिनलु थी वो इस कंपनी में उसकी माँ जो थी वो वन ऑफ द शेयर होल्डर थी, और बहुत शायद अगर वो जिंदा होती तो आज जेंग से भी ज़्यादा ओनर होती इस कंपनी की। तो इसी बात की वजह से वो इस कंपनी की शेयर मेन CEO बन जाती है, मतलब शिनलु। और जो देख के तो जेंग की तो हालत ख़राब हो जाती है। और अगले सीन में दिखाया जाता है जो शिनलु थी ऐसे अपने मम्मा को याद कर रही थी और बोल रही थी आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसका बदला मैंने आज अच्छी तरह से ले लिया, जेंग का जो रुतबा था सारी दुनिया के सामने जो नाम था वो सब कुछ मैंने तबाह कर दिया, माँ आई होप आपकी आत्मा को आज शांति मिली होगी, ऐसा हो मनी मन में बोल रही होती है। तभी वहाँ पर आता है ईशन, और ईशन को देखने के बाद शिनलु बोलती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये सुनने के बाद ईशन बोलता है क्यों मुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था क्या, और फाइनली तुम्हें वो सब कुछ मिल गया जो तुम चाहती थी, तो मैंने सोचा कि मेरी बहन को मैं कंग्रेचुलेट करता हूँ, बोल के उसके पास आता है, उसे किस करने लगता है। शिनलु उसे ऐसे धक्का देती है, उसे तमाचा लगाती है और बोलती है भूलो मत अब मैं इस फैमिली की कोई लगती नहीं हूँ और मैं इस कंपनी की CEO हूँ और तुम जिस लोगों ने मैं मुँह नहीं लगती, ऐसा वो बोलता है। तभी ईशन बोलता है वाह कल तक तो तुम्हें बड़ा मजा आ रहा था मेरे साथ सोने में, अब तुम मेरे मुँह नहीं लगोगी। ये सुनने के बाद शिनलु उसे ऐसे एक चेक देती है और बोलती है ये लो पैसे, तुम्हारे साथ मैंने जितनी रात गुजारी उसका कॉम्पेंसेशन। और हाँ ये सब कुछ ना ऐसे बड़े लोगों के लिए छोटी सी बात है, तुमने ही कहा था ना ओ मैं तो भूल गई, तुम्हारी फ्रेंडसी ने बोला था जाओ सिया के पास, तुम्हारी फ्रेंडसी तुम्हारा वेट कर रही है, और जहाँ तक मेरा सवाल है तुम्हारा मेरा कुछ भी नहीं था, मैं बस तुम्हारा इस्तेमाल कर रही थी और यही हूँ। ये सुनने के बाद जो ईशन था उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, वो बोल रहा था तुम आग से खेल रही थी, अब तुम मैं तुम्हें एक बार यहाँ पर चांस देने आया था, तुमने तो मेरी बातें नहीं सुनी, अब इसके बाद जो भी होगा उसके लिए तुम खुद ही जिम्मेदार होगी। तभी शिनलु बोलती है मैं तो D1 से ऐसी ही थी, गलती तुम्हारी थी कि तुमने मुझे कुछ और समझ लिया था, अब भुगतो, तुम्हारी फैमिली को तबाह करने के लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ, तो ये सब कुछ तो बहुत नॉर्मल सी बात है, ऐसा वो बोल लेती है। और तभी वो ऐसे अलम जाती है, सिक्योरिटी गार्ड आता है, और उसके बाद शिनलु बोलती है इस बंदे को यहाँ से बहुत दूर भेजो, इसके बाद दोबारा एम इस ऑफिस पे देखना नहीं चाहिए। ये सुनने के बाद वो जो सिक्योरिटी गार्ड था उसको वहाँ से लेके जाने वाला होता है, तभी जो ईशन था वो बोलता है इसकी ज़रूरत है नहीं। और उसके बाद वो शिनलु को देखता है और वो बोलता है ये गेम तुमने स्टार्ट किया है ख़त्म मैं करूँगा, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है।
अगले सीन में दिखाया जाता है जेंग, मतलब इस सीन का पापा सिल्लु के पीछे कुछ गुंडों को भेजा हुआ था उसको मारने के लिए, लेकिन इस सीन जाके उसे बचा लेता है। वो सिल्लु को देखता है और वो बोलता है, मैं तुम्हारे साथ कैसा क्या करूँ, मुझे समझ में आ नहीं रहा, क्योंकि मैं तुम्हें हॉट होने तो नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हें मैं ऐसे भी नहीं देख सकता। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है उसको उसके पापा से बहुत ज़्यादा बुरी तरह से डांट पड़ती है, क्योंकि उसने सिल्लु की जान बचाई हुई थी। और तभी ईशन बोलता है, आप उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं उससे कभी हॉट होने नहीं दे सकता। पापा को बहुत गुस्सा आता है और वो बोल रहे थे कि वो एक नंबर की घटिया लड़की है, और तुम क्या सच्ची में उस लड़की के लिए मुझे इस तरह से टुकराओगे। सुनने के बाद जो शिंडो थी उसको याद करता है ईशन और बोलता है, नहीं पापा, मैं आपको नहीं टुकरा सकता, आप मेरे लिए सब कुछ हो, लेकिन वो भी मेरे लिए बहुत कुछ है, ऐसा वो बोलता है। पापा को बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है दिल में, सीन कट हो जाता है। तो अगले सीन में दिखाया जाता है ईशन हॉस्पिटल पे था, शिंदू का इलाज चल हो चुका था, उसको हुसा चुका था। और उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है शिंदू ऐसे उसे देखते हैं, उसे थैंक यू बोलते हैं उसे बचाने के लिए, और उसके बाद उसे गले लगाने वाले थे। ईशन उसे रोकता है और वो बोलता है, क्या तुम इस बार भी वीडियो लोगी, और वो बोलती कि नहीं ऐसी बात नहीं थी। और उसके बाद ईशन उसे बोलता है, मुझे तुम्हें कुछ बोलना है, पापा की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, जो तुम्हें चाहिए वो सब कुछ तुम्हें मिल चुका है, अब तुम मेरे पापा का पीछा छोड़ दो प्लीज, ऐसा वो बोलता है। तभी सिल्लू से बोलती है, जो मेरी माँ ने भुगता हुआ है तुम्हारे पापा की वजह से, उसके सामने ऐसा कुछ भी नहीं, तुम्हारे पापा के साथ बहुत कुछ होगा। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो ईशन था, वो बोलता है, मेरे लिए मुश्किलें मत बढ़ाओ, क्योंकि मैं तुम दोनों में से किसी को भी नहीं खो सकता, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद शिंदू ऐसे जाती है जेंग के पास, वो ऐसे अभी बेहोश था। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो ऐसे उसे देखती है, और जो वहाँ पर मेडिसिन जाने वाला पाइप था उसको बंद करने लगती है। और उसके बाद वहाँ पर वो रिपोर्ट देखती है जेंग का, जहाँ पर उसके मतलब जेंग का ब्लड ग्रुप भी आरएच था, आरएच मतलब बहुत रेयर ब्लड ग्रुप था। और वो याद करती है, ये तो मेरा ब्लड ग्रुप है। और उसके बाद अपनी मॉम को याद करती है, और उसकी मॉम ने बोला हुआ था कि उसका जो ब्लड ग्रुप है वो बहुत ज़्यादा रेयर है, तो इस केस भी वो बिल्कुल भी कोई लापरवाही ना करे या फिर खुद को चोट तो ना दे, क्योंकि हो सकता है उसको ब्लड लॉस होगा, तो उस टाइम पर उसके लिए बहुत प्रॉब्लम होगी ब्लड वापस जमा कराने में। तो सोचती कि ये सब कुछ क्या चल रहा है, क्या मैं इसकी बेटी हूँ, पर कैसे, अगर मैं इसकी बेटी हूँ तो ईशन उसका बेटा क्यों नहीं है, हमारा डीएनए तो मैच नहीं हुआ था ना। आपको याद होगा जो स्टार्टिंग में जो ईशन था उसने तो खुद के ब्लड के साथ उसका मतलब वो ब्लड मैच करवा के डीएनए रिपोर्ट लेके आया हुआ था। तो वो सोचती है सब कुछ क्या चल रहा है, वो तो समझ गई कुछ तो गड़बड़ है, वो किसी को कॉल करती है और उसके बाद वो पता लगाने के लिए बोलती है कि इस सच में क्या चल रहा है, और उसका और जेंग का प्लॉट को रियल में क्यों मैच हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो ये बंदी ये बोल के आई थी कि ये इस घर की सौतेली बेटी है, जो सरासर झूठ था, लेकिन अब ये जो झूठ वो बोल के आई थी वो सच निकल रहा था, इसीलिए सिल्लू काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। अब हमें दिखाया जाता है ईशन सिंधु के घर पे आया हुआ था, और उसके बाद वो उसे ऐसे बहुत प्यार से देख रहा था। सिंधु उसे बोलती है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तभी वो उसे बोलता है, अगर तुम मेरे पापा का पीछा छोड़ोगी ना तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा, जो तुम चाहती हो वो सब कुछ तुम्हें मिलेगा। ये सुनने के बाद सिंधु बोलती है कि मुझे तुम्हें लगता है तुम्हारी ये सब कुछ बातें मुझ पर इफेक्ट करेगी, तभी ईशन बोलता है, पर तुम इतनी बुरी भी नहीं हो, मुझे पता है तुम कैसी हो। और उसके बाद वो उसे ऐसे किस लगती है, दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। तो हम देखते हैं सुबह वाला सीन, जहाँ पर सिल्लू ऐसे ईशन के पास जाती है और उसके बाद वो उसे बोलती है, मेरे तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट। तो दरअसल उसने कंपनी के 50% शेयर जो शेयर थे वो ईशन के नाम पे कर दिया हुआ था। ये देखने के बाद ईशन बोलता है कि ये सब करने की कोई खास वजह है, या फिर कंपनी के प्रेसिडेंट को ज़्यादा ही दिलदार है कि अपने शेयर्स बेचती रहती है। ये सुनने के बाद सिल्लू उसे बोलती है कि मेरे साथ अच्छा होने के लिए तुम्हें तोहफा। और उसके बाद वो उसे बोलती है, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हारी कंपनी तुम्हारे पापा के नाम पे सब कुछ वापस लौटा दूँ तो क्या तुम मेरे पास आओगे, क्या एक बार तुम मुझे चूज करोगे, क्योंकि मैं कभी भी किसी के लाइफ में फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं थी, तुम्हारे पापा में क्या तुम मुझे चूज़ करोगे। ये सुनने के बाद ईशन उसे देखता है और बोलता है, तुम्हें पता है ना मैं पापा को नहीं छोड़ सकता, पापा ने मेरे लिए बहुत कुछ किया हुआ है, मैं उनको नहीं छोड़ सकता। ये सुनने के बाद सिल्लू बोलते हैं, मुझे पता था तुम यही बोलोगे, क्योंकि तुम्हारे लाइफ में मैं कभी भी फर्स्ट चॉइस तो नहीं थी, तुम्हारे पापा ही तुम्हारे लिए फर्स्ट चॉइस है और मैं सेकेंड चॉइस हूँ, मुझे बुरा नहीं रहेगा, ऐसा वो बोलती है। ईशन उसे बोलता है, मुझे थोड़ा सा वक्त हो, मैं सब कुछ सही करूँगा, प्लीज़ अपने अंदर का जो भी जहर है उसको ख़त्म करो, प्लीज़ इस तरह से
अपनी लाइफ को ख़राब मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता है तुम्हारे साथ बुरा बनने में, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है अगले वाले सीन में हमें फ्लैशबैक फिर से एक बार, जहाँ पर शिनरो हॉस्पिटल पर थी, तो उसे तो फौरन पता चल चुका था कि वो और जेंग यानी कि हिशन का पापा असली माँ बाप बेटी थे। मतलब शिनरो ने जो स्टोरी बताई हुई थी वो तो सरासर झूठ था। अगर ये दोनों असली बाप बेटी थे तो इसका मतलब ईशन जो था, ईशन शायद शिनरो थी उसका सौतेला भाई नहीं था बल्कि कोई बाहर वाला बंदा था। ये सोच के तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग जाता है। अगले सीन में जो ईशन था वो ऐसे अपने हाथ पे एक रिंग लेके बैठा हुआ था, फ्लावर का बुके था, और वो बोल रहा था कि मैं तुम्हें सरप्राइज देने वाला था, आज मैं तुम्हें शादी के लिए प्रपोज करूँगा और हमारे रिश्ते को एक प्रॉपर नाम मिलेगा। लेकिन वहाँ पर उसका जो असिस्टेंट था वो आता है और उसके बाद वो बोलता है सर मैडम ने ये छोड़ा हुआ है। तो हमें पता चला शिनरो शेयर छोड़ के जा चुकी थी और इवन वो तो जो कंपनी था उसका चेयरपर्सन फिर से एक बार ईशन को बना के छोड़ दी थी। और उसने यही लिखा हुआ था कि मेरे तरफ से मेरे साथ रहने का यही तुम्हें तोहफा। जो सुनने के बाद तो शौक में आ जाता है क्योंकि वो कहाँ शिनरो के साथ शादी करके बच्चे करने का सपना देख रहा था, मतलब अपनी फैमिली स्टार्ट करने का, और ये बंदी तो उसे छोड़ के जा चुकी थी। अब इस तरह से 5 साल गुजर जाता है। 5 साल बाद दिखाया जाता है ईशन का जो पापा था वो बीमार था और उसका वो ईशन बहुत अच्छे से ख्याल रखा करता था। और उसके बाद ईशन को उसका पापा जेंग बोलता है कि क्या तुम अभी भी उसे बुला नहीं पाए हो। ये सुनने के बाद ईशन बोलता है बुलाया, उनको जाता है पापा जो अपने लाइफ में ज़्यादा मैटर ना करती हो वो मेरे लिए बहुत मैटर करती है। पापा बोलते हैं तुम दोनों भाई बहनों तुम्हें पता है ना। ये सुनने के बाद ईशन बोलता है मुझे अच्छी तरह से पता है वो मेरी ब्लड रिलेटिव नहीं है। ये सुनने के बाद पापा बोलते हैं फिर भी मैं तुम्हें कभी भी अलाउ नहीं करूँगा, तुम उस जैसी लड़की से शादी करो, ऐसा वो बोलते हैं। तभी जो ईशन था वो बोलता है पापा मुझे इस चीज़ के लिए फोर्स मत कीजिए जो मुझे पसंद आओ, मुझे कभी ना एक वक्त ना बदलाइएगा कि मुझे उसमें और आप में से एक को चूज करना पड़े, आपको बताए मैं किसको चूज करूँगा, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है अगले वाले सीन में तो जो हमारी शिनरो थी उसका जो कंपनी छोटा सा उसने स्टार्टअप करके छोड़ा हुआ था उसके अडॉप्टिव फादर के साथ, वो तो बहुत ख़राब हालत में था। वहाँ पर ऐसे लोन साख साके उनको पीट रहे होते हैं और यहाँ पर कंपनी के बहुत सारी चीज़ों को तोड़ फोड़ कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर सिचुएशन संभाला नहीं जा पा रहा था। इसी बात की वजह से शिनरो को वापस आना पड़ता है चाइना और उसके बाद वो सिचुएशन को संभालती है। और वहाँ पर वो लोग बोल रहे थे कि तुम्हें जल्द से जल्द पैसा देना पड़ेगा। शिनरो बोलती है मैं बहुत जल्द आप लोगों को पैसा लौटाऊंगी लेकिन आप लोगों को यहाँ पर इस तरह से तमाशा क्रिएट करने नहीं दूंगी वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी, बोल के वो लोग वहाँ से उस लोगों को भगा देती है। एक बंदा शिनरो को ऐसे ब्लाइंडफोल्ड करके एक कमरे के अंदर भेज देता है और उसके बाद शिनरो जैसे कमरे के अंदर धक्का खाती है तो वहाँ पर कोई बंदा उसे पीछे से हक करता है। तो क्या लग रहा है ये कौन होगा? बाद में पता चला ये तो ईशन था। ईशन बोलता है फाइनली तुम वापस आ गई, तुम्हें वापस लाने के लिए मुझे इतना मेहनत करना पड़ेगा मैंने सोचा नहीं था, लेकिन आई वॉज राइट, तुम अपने एडॉप्टिव फादर को बिल्कुल प्रॉब्लम में नहीं देख सकती। ये सुनने के बाद शिनरो समझ जाती है कि ये जो कंपनी में अभी जो पंगे चल रहे हैं ना वो इसी का कराया हुआ है, मतलब ईशन ने करवाया हुआ था। वो उसे देखती है और बोलते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। ये सुनने के बाद ईशन उसे बोलता है कुछ नहीं, मैं अपनी बहन को बहुत मिस कर रहा था तो मैंने सोचा उसे हेलो क्यों ना बोलूं, बोल के उसे ऐसे किस करने लगता है। शिनरो उसे एक तमाचा लगाती है और बोलते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम यहाँ से तफा हो जाओ, तुम और मैं कभी ये खो नहीं सकते, मैं ऑलरेडी जा चुकी थी ना। ये सुनने की बात शिनरो को ईशन बोलता है एक बात बताओ मैं कोई रोबोट हूँ या फिर मैं कोई खिलौना हूँ तुम्हारे लिए, जब भी मजा आओगी इस्तेमाल करोगी और उसके बाद चले जाओगे, तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम इतनी इजीली मुझे छोड़ के जाओ और मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? कभी नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें कभी अपनी लाइफ से दूर जाने दूंगा ही नहीं। हो सकता है तुम मेरी लाइफ में अपनी मर्जी से आई होगी लेकिन अब जाओगी ना तो अपनी मर्जी से बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें कोई मजाक लग रहा है कब जब मैं क्या आ गई और उसके बाद अचानक से गायब हो गई और मेरी फीलिंग का क्या? ऐसा वो बोलता है। शिनरो उसे बोलती है तुम्हारे यार मेरे बीच में कोई फीलिंग नहीं है। इस जिंदगी के बाद ईशन बोलता है अगर फीलिंग नहीं है तो उसको तुम लाओ, तुमने गलत बंदी से पंगा लिया हुआ है, मैं बोल रहा था ना तुम आग से खेल रही हो, तो अब तुम
देखो तुम किस आग से खेल रही हो। तभी नीचे ऐसे कोई साउंड आता है तो इससे वो नीचे की तरफ देखने के लिए आता है। यहाँ पर एक और कैरेक्टर, इसका नाम है जियन। जियन बहुत बड़ा सेलिब्रिटी था और वो आता है और वो बोल रहा था कि ईशन यहाँ पर मेरी फियोंसी को बंद करके रख रहा है, मैं पुलिस को बुला लूँगा, अभी के अभी ईशन को बुलाओ। तभी सिंधु ऐसे ईशन को देखती है और बोलती कि ओ मैं तो बताना भूल गई, मेरा फियोंसी कैसा लगा, तुम्हें क्या लगा 5 साल में इतना कुछ बदलेगा, तुम्हें नहीं बदलूंगी। तभी जो ईशन था वो बोलता है तुम काफ़ी बदल गई हो, बड़ी हो गई हो ना। ये सुनने के बाद सिंधु बोलती कि हाँ, क्योंकि मुझे पुरानी चीज़ें दोबारा इस्तेमाल करना पसंद नहीं है। ये सुनने के बाद अब हम देखते हैं नीचे ऐसे गेस्ट रूम में जहाँ पर ऐसे बात हो रहा होता है, और उसके बाद सिंधु ऐसे उसके साइड पर बैठी हुई थी जियान के साइड पर, और जियान बड़े बड़े चीज़ें फेंक रहा था, मतलब वही है मेरी पहली प्यार है और मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ। अब आप लोग तो समझ ही सकते होंगे ये दोनों ड्रामा कर रहे हैं कपल होने का। और उसके बाद ईशन बोलता है मुझे नहीं पता, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम दोनों कपल हो या नहीं, लेकिन एक बात याद रखना ये बंदी सिर्फ मेरी है। सुनने के बाद जियान उसे बोला तो तुम बहुत बड़े शेमलेस हो, इतने बड़े कंपनी को चलाने के बावजूद भी तुम्हें ऐसे चीप बात करने में शर्म नहीं आती। तभी जी ऐसे जो ईशन था वो बोलता है इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है, जो बंदी मुझे पसंद है वो मेरी। और उसके बाद सिंधु ऐसे बोलते हैं इसका बकवास सुनने से अच्छा है चलो यहाँ से, बोल के वो जाने वाली थी। तभी ईशन बोलते हैं हाँ हाँ जाओ जाओ कोई बात नहीं, ऐसे भी तुम बहुत बड़े सेलिब्रिटी हो ना, तुम्हारे लिए तो इन सब चीज़ें इतना मैटर करती नहीं होगी। और उसके बाद जैसे ही वो बाहर की तरफ जाता है तो वहाँ पर दिखाया जाता है और लेडी जो ईशन था वो ढेर सारे फोटोग्राफर को मतलब मीडिया वाले को लेके रखा हुआ था। और क्योंकि जियान बहुत बड़ा फोटो ऐसे सेलिब्रिटी था, इसी बात की वजह से ये बात बहुत ज़्यादा बुरी तरह से फैल जाती है कि इस बंदे का अफेयर चल रहा है, तो अपने मुँह को छुपाते हुए अंदर की तरफ आना पड़ता है। और उसके बाद ईशन बोलता है कैसा लगा मेरा सरप्राइज अपनी बहन के लिए और उन्हें उसके होने वाले हस्बैंड के लिए, मैंने ये सब कुछ प्लान किया हुआ था, तो क्या अभी भी तुम मेरी गर्लफ्रेंड के आसपास इस तरह से मन रहा होगी। तभी जो जियान था उसे तो गुस्सा आ रहा था, वो कुछ बोलता लेकिन सिंधु बोलती है तुम यहाँ से जाओ मैं इससे संभाल लूँगी। और उसके बाद वो उसे बोलती है तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो, तुम मेरे पापा की कंपनी को छोड़ो, उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया हुआ है, तुम जो भी करना है मेरे साथ करो। ये सुनने के बाद जो ईशन था वो बोलता है तुम्हारा ना कुछ भरोसा है नहीं, जब भी मन चाह आओगी जाओगी, तो मुझे किसी को तो इस तरह से दाव पे रखना पड़ेगा ना, तो अब मैंने सोचा हुआ है तुम्हारे एडॉप्टिव फादर के साथ जो भी होगा उसके लिए तुम जिम्मेदार होगी, तो तुम जो मेरे साथ बर्ताव करोगी उसका रिस्पॉन्स तुम्हारे एडॉप्टिव फादर को मिलेगा, ऐसा वो बोलता है। और वो ऐसे बोलता है कि और तुम ये सब कुछ मुझे करने के लिए फोर्स कर रही थी, ये बात बोलना बोल के जाने वाला था। सिंधु उसे पीछे से हक करती है और उसे सॉरी बोलती है और बोलती है आज के बाद मैं तुम्हें कोई कभी भी हर्ट नहीं करूँगी, कभी परेशान नहीं करूँगी, प्लीज़ मेरे पापा को छोड़ दो। और उसके बाद वो अपने आप को बिल्कुल भी रोक नहीं पाता, सिंधु रो रही थी, उसे ऐसे गले लगा रही थी। सिंधु की तरफ वो देखता है और बोलता है मैं कभी भी तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहता, लेकिन हमेशा तुम मुझे मजबूर करती हो। और उसके बाद सिंधु पर कार दिया जाता है, मतलब आप लोग समझ गए होंगे दोनों इंटीमेट हो गए। तो अगले वाले सीन में दिखाया जाता है जो सिंधु थी ऐसे अपनी आँखें खोलती है और ऑलरेडी ईशन कपड़े पहन चुका था। और उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है जो ईशन था वो बोलता है एक पार्टी है वहाँ पर तुम्हें आना है एक। तभी सिंधु बोले थी नहीं मुझे नहीं आना, ये सुनने के बाद उसे बोलता है नहीं तुम्हें आना तो पड़ेगा, क्योंकि तुम किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं कर सकती, तुम बहुत ज़्यादा बुरी तरह से फंस चुके हो। सिंधु मुझे प्रोवोक करके ऐसा बोल के वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद जैसे वहाँ से सिंधु देखती है कि हमारा ईशन जा चुका है, तो वहाँ पर आ जाता है जियान जो काफ़ी ज़्यादा ऐसे टपोरी बन के आया हुआ था, मतलब वो निबा निबी वाली हरकतें करने के लिए आया हुआ था। सिंधु उसे देख के हंसने लग जाती है क्योंकि बंदा हैंडसम से ज़्यादा तो जोकर लग रहा होता है। सिंधु को उस पार्टी में जाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर वो जियान के साथ आई हुई थी। सिंधु काफ़ी खूबसूरत लग रही थी, लेकिन 5 साल पहले जो इंसिडेंट पार्टी में हुआ था, मतलब पूरे पार्टी में जो अपने खुद के भाई के साथ गुलछेरे उड़ा रही थी, यही बातें सब लोग याद कर रहे होते हैं। और ऐसे सिंधु को बहुत बुरी बुरी चीज़ें बोले होते हैं। तो हम एक और फ्लैशबैक में चलते हैं जहाँ पर सिया
सियान ने जेंग के साथ मिलकर प्लान बनाया हुआ था। जेंग ने बोला था अगर तुमने उसको रास्ते से हटाया तो मैं तुम्हें इस घर की बहुत जरूर बनाऊंगा। और उसके बाद अभी प्रेजेंट में दिखाया जाता है, वो भी यहाँ पर कुछ करने के लिए आई हुई होती है। और उसके बाद हमें ये सिखाया जाता है जो सिनलू थी वो इस पार्टी में इसलिए आई थी क्योंकि वो अभी जियान के ग्रैंडपा से मिलना चाहती थी। ग्रैंडपा मतलब वही ग्रैंडपा जिन्होंने बहुत सालों पहले भी उसकी मदद की हुई थी। तो अभी सिनलू ने उनसे कुछ पैसे उधार मांगे हुए थे इन रिटर्न कंपनी को, कंपनी में 10 साल तक वो पैसे उनको लौटाने वाली थी 10 साल तक काम करके। तो इसी बात की वजह से इस पार्टी में अब सब लोग उसे कंप्लीमेंट कर रहे होते हैं। और उसके बाद सिंधु ऐसे ईशन को बोलते हैं कि क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी, वो बोलता है हाँ। और उसके बाद दोनों डांस करने लगते हैं। सिंधु सोचती है बस आज रात की बात है, कल तो मैं ऐसे चले जाऊँगी और कभी मैं तुम्हारी लाइफ में तुम्हारा वापस नहीं आऊँगी। और तभी जियान उसे बोलता है आज मुझ पर इतना मेहरबान क्यों हो रहे हो। ऐसे के बाद बोलते हैं कि कुछ नहीं, तुम मेरे साथ इतना ज़्यादा अच्छे से बात करते हो ना तो मुझे लगा तुम्हें अच्छे से ट्रीट कर लेनी चाहिए। तभी जो ईशन था वो बोलता है मुझे लगता है मेरे ना भाग ही खुल गए जो तुम मेरे साथ इतने अच्छे से बात कर रहे हो, वरना तो तुम्हारी इतनी हिम्मत होती नहीं है, ऐसा बोल के उसे ऐसे छेड़ा होता है। सिंधु बोलती है अगर रात को तुम मेरे साथ रहोगे ना उस टाइम पर तुम्हें पता चलेगा मैं क्या चीज हूँ। और तभी दोनों ऐसे पार्टी इंजॉय कर रहे होते हैं। और उसके बाद अगले सीन में सिंधु वॉशरूम की तरफ जा रही होती है, कोई उसे उठवा लेता है तो बाद में पता चला ये करने वाली सिया थी। सिया अपने दो बंदों के साथ मिलके सिंधु का ऐसे छत वाले एरिया पे ले जाती है। और उसके बाद उसे वहीं से पहले तो वो सारा पूरी तरह से उसे उसके बड़े में से रखती है ताकि मैडम ने ज़्यादा सारा पीने की वजह से अपनी जान दे दी ऐसा सबको लगे। तो इसी बात की वजह से वो ऐसा बोल रही थी, सिंधु उसे बोलती है तुम कुछ भी करो लेकिन तुम कभी भी ईशन की लाइफ में एंट्री नहीं मार सकती, कभी भी उसका दिल नहीं जीत पाओगे। सिया बोलती है एक बार तुम जाऊंगी उसके बाद उसे किसी के कंधे की जरूरत पड़ेगी ना तो उस टाइम पे मैं रहूंगी, ऐसा बोल के ऐसे इंजॉय कर रही थी। और उसके बाद उसे धक्का देने का प्लान कर रही होती है। और हम देखते हैं नीचे जहाँ पर जो ईशन और जियान में ऐसे तू-तू में चल रहा होता है, मतलब सिंधु के लिए कौन ज्यादा परफेक्ट है वही वाली चीज है। और जियान ऐसे ईशन देखता है वहां पर सिंधु को धक्का देने वाला था तो इसीलिए वो वहां पर उसके सामने जाता है और सिंधु गिर जाती है लेकिन जियान के जो था उसके ऊपर। और हमें ये दिखाया जाता है जो ईशन था उसे डॉक्टर ला के ऐसे इलाज करवाता है तो डॉक्टर बोलते हैं ज़्यादा सीरियस बात नहीं है, जल्दी आप लोगों ने हॉस्पिटल पे डॉक्टर को इन्फॉर्म किया तो वो अभी सही है। और उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है वो उसे पूछता है कि इसकी प्रॉब्लम क्या है और इतनी ज़्यादा वीक क्यों पड़ रही है। तभी डॉक्टर उसे बोलते हैं कुछ नहीं ज़्यादा टेंशन नहीं होगी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो ऐसे उसके फ़ोन पर देखता है तो उसे पता चला उसने कुछ सालों पहले जो रिपोर्ट रखा हुआ था वो डिलीट हुआ नहीं था और डॉक्टर ने भी बोल दिया था कि इसका आरएच ग्रुप है। आरएच ग्रुप इसका मतलब तो ये तो इसकी बहन है नहीं, मतलब उसके पापा की नाजायज बेटी। वो सोचती है ये सब कुछ क्या चल रहा है। उसे सच पता चल गया कि 5 साल पहले वो क्यों उसे छोड़ के गई थी, शायद उसे सच पता चल चुका था कि जो ईशन है वो उसके पापा का असली बेटा नहीं है बल्कि सिंधु उसकी जेंग की असली बेटी थी। वो सोचता है अगर इसे सच पता चल चुका था तो इसकी हिम्मत कैसे, ये अकेले कैसे सब कुछ डिसाइड कर सकती है। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, उसे ऐसा लगा कि सिंधु ने उसे धोखा दिया हुआ था। जब उसे पता चला वो उसके पापा की असली बेटी है और जेंग जो ईशन है वो उसके पापा का एडॉप्टिव बेटा, उसे ऐसा लग रहा था इस बंदी ने सब कुछ खुद ही डिसाइड कर लिया, इसकी हिम्मत कैसे हुई। और उसके बाद वो ऐसे उसके हाथ को पकड़ रहा था और वो ऐसे बोल रहा था तुम एक नंबर की बेवकूफ़ लड़की हो। तभी वो अपनी आंखें खोलती है और वो बोलती है और उसके बाद जो हमारा ईशन था उसे बोलता है कुछ नहीं मैं तुम्हें देख के सोच रहा था अगर तुम्हें कुछ होगा तो मैं क्या करूँगा, ऐसा वो बोलता है। और वो बोलता है आज के बाद हम दोनों एक दूसरे को कभी नहीं मिलेंगे। लेट्स ब्रेकअप है सुनने के बाद सिंधु तो शौक में आ जाती है। तो कुछ देर बाद दिखाया जाता है सिंधु ऐसे कपड़े बदल के उसके पास आती है और वो बोलती है तुम्हारा चल क्या रहा है, तुम चाहते क्या। ये सुनने के बाद जो ईशन था वो बोलता है तुम्हारा मतलब, तभी सिंधु उसे बोलती है जब मनसा मेरे पास आओगे और जब मजा ब्रेकअप हो लोगे कोई मजाक चल जाएगा। ये सुनने के बाद सिंधु को
ईशन बोलता है कि इसमें तुम्हें बुरा मानने वाली कौन सी चीज़ है, तुम मेरे लाइफ में जानबूझ के आई थी, सब कुछ तुम मेरे प्लान के हिसाब से कर रही थी ना, मेरे लाइफ में तुम मुझसे बदला लेना चाहती थी, मेरे पापा से बदला लेना चाहती थी, तो अब ले चुकी हो ना, मेरी कंपनी को बैंकक्रॉप करवा चुकी थी और मैंने फाइनली बहुत कुछ करके कंपनी को वापस अपने पोजिशन पर लिया हुआ है, तो अब क्या चाहती हो, अब क्या मैं अपनी जान दे दूँ तुम्हारे लिए या फिर तुम्हारे एडोप्टिव फादर के लिए, क्या चाहती हो। शिनलो से बोलती है, मुझे सबसे पहले ये बताओ, क्या तुम मुझे प्यार करते हो, तुमने बोला था तुम मुझसे प्यार करती हो। ये सुनने के बाद जो ईशन था उसे बोलता है, तुम बताओ तुम मुझसे प्यार करती हो। तभी शिनलो से बोलते हैं, मैंने तुमसे पहले सवाल पूछा हुआ है, मुझे बताओ, तो तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं तुम्हारे साथ ड्रामा कर रहा था, जिस तरह से तुम मेरे फैमिली को बैंकरप्ट करने के लिए मेरे पास आई थी, इसी तरह से मैं तुमसे रिवेंज लेना चाहता था, इसलिए मैं तुम्हारे साथ था, मैं तुम्हें प्यार करने का नाटक कर रहा था, ड्रामा कर रहा था, ताकि तुमसे बदला ले सकूँ, तो अब मेरा रिवेंज पूरा हो गया, अब मैं क्या करूँगा, मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया ना, सब कुछ मैंने कंप्लीट कर दिया, अब मैं ऐसे तुम्हें राह चलती लड़की को ऐसे मुँह लगाते हुए बैठूँगा, तुम्हारा मेरा कुछ खत्म, तो अब तुम्हें ये रीजन प्रॉपर लगा या फिर कुछ और भी बताना है, ऐसा वो बोलता है। शिनलो को बहुत गुस्सा आता है, वो उसे बोलती है आई हेट यू, और उसके बाद वो उसे ऐसे बोलती है, आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना, और उसके बाद ही शिनलो बोलता है कोई बात नहीं, मैं कभी भी नहीं दिखाऊंगा। तो अगले सीन में दिखाया जाता है शिनलो वैसे आप बहुत ज्यादा नशे में थी, वो नशा कर रही थी और वैसे सोच रही थी, मैं कभी भी तुम्हें इस बात के लिए माफ़ नहीं करूँगी, और मन ही मन में सोचती है पर मुझे इसमें बुरा मानने वाली कोई चीज़ नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि मैं उसके लाइफ में रिवेंज लेने के लिए गई थी, तो उसने भी मेरे साथ दो किया, इसमें गलत क्या है। और उसके बाद तभी वहाँ पर एक बंदा आके उसके साथ ऐसे प्लॉट करने की ट्राई करता है, उसके ड्रिंक में कुछ मिला के उसे खिलाने की ट्राई करता है, और हमारी शिनलो इन सब चीज़ों को तो संभाल लेती है, और तभी वहाँ पर आके जो ईशन था उसे संभाल लेता है, लेकिन बाद में पता चला ये उसका सपना था, बल्कि यहाँ पर तो जिया था जो आया हुआ था, और उसे डांट रहा था कि तुम्हें अकेले आना नहीं चाहिए था, यहाँ पर बहुत कुछ है, बहुत ज़्यादा गलत लोग हैं जो तुम्हें गलत नज़र से देखेंगे, और उसे बोला था मुझे पता है तुम मुझे प्यार नहीं करते, फिर भी मैं तुम्हें इस प्रॉब्लम में तो नहीं डाल सकता। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है ईशन ऐसे क्लॉप पर ही था, और उसके बाद उसका असिस्टेंट उसे बोलता है बॉस मैम के पास जा रहा है या नहीं, तो अभी जो ईशन था वो बोलता है उसके लाइफ में उसे प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत लोग आ चुके हैं, तो मेरी कोई जगह नहीं है, ऐसा वो बोलता है, और उसके बाद वहाँ से चला जाता है। तो हमें अब अगले सीन में दिखाया जाता है शिनलो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, वो सोच रही थी कि ये सब कुछ मेरे लाइफ में चल कर रहा है, सब कुछ तो मैं डिसाइड करती थी ना, एक बंदा के मुझे इतना इफेक्ट कर सकता है, ऐसा वो सोच के मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, उसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो रही होती है, लेकिन जैसे तैसे वो अपने आप को संभालने की ट्राई कर रही थी। और तभी वो देखती है वहाँ पर वही स्प्रे वही फॉर्म जो हमारा बंदा यूज़ किया करता था वो भी था, उसको देख कर उसे उसी की याद आ रही थी, क्योंकि शिनलो ने स्पेशली उसके लिए ये फॉर्म बनाया हुआ था। वो उसे देखती है और बोलती है आखिरी बार मैं तुम्हारी चीज़ों को देखूंगी, कल के बाद मैं एक नई शिनलो बनूंगी और तुम्हें तो कभी भी नहीं देखूंगी, ऐसा वो सोचती है। इतना कुछ होने के बाद ईशन जाता है अपने पापा के पास, और उसके बाद वो पापा को सच बता देता है कि उसने शिनलो से ब्रेकअप कर लिया है, अब इसके बाद वो कभी भी उसके लाइफ में वापस नहीं लाएगा। ये सुनने के बाद पापा बहुत खुश हो रहे होते हैं और वो बोल रहे थे मुझे तुम पे फ़र्क है बेटा। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो शिनलो थी उसको वो भुला तो नहीं पाया था, लेकिन हाँ उसने उसकी खुशी के लिए शायद उससे ब्रेकअप करने का रीज़न दिया हुआ था ईशन को। उसके पापा बोलते हैं बेटा अब तुम मेरे लिए एक काम करो। ये सुनने के बाद ईशन बोलता है क्या पापा, तभी वो बोलते हैं एक बहुत बड़े फ्रेंड्स फैमिली की एक बेटी है जो तुमसे शादी करना चाहती है, उसे तुम पहली नज़र में पसंद आती है, उसका नाम माय है, और वो तुमसे शादी करने के बाद हमारी फैमिली की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकती है, वो बहुत रिच है, तो तुम मेरे लिए इतना करो। ये सुनने के बाद ईशन बोलता है मैं वो सब कुछ करने के लिए रेडी हूँ पापा, लेकिन आपको भी एक प्रॉमिस करना पड़ेगा। तभी जेंग बोलता है क्या, तभी ईशन बोलता है आप भी आज के बाद शिनलो को बिल्कुल परेशान करना बंद करोगे, उसे छोड़ दीजिए, मेरे लिए छोड़ दीजिए, मुझे पता है आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया हुआ है, आप मेरे लिए बहुत कुछ कर सकते हो, तो प्लीज़ इतना कर दीजिए, उससे आप कुछ भी मत कीजिए, उसके पीछे मत पड़िए, उसने ऑलरेडी बहुत कुछ झेला हुआ है। ये सुनने के बाद पापा बोलते हैं कि ठीक है मैं सोचूंगा ज़रूर। और उसके बाद हम देखते हैं अगले वाले
सीन में हमारी सीन लो एक क्लॉ पे गई हुई होती है। एक कॉन्ट्रैक्टर था जिसके साथ वो उसके कंपनी में ऐसे पैसे खर्च करने वाला था, तो उसी के साथ वहाँ पर मीटिंग करने के लिए, लेकिन ये बंदा कुछ ज़्यादा ही गोजी बन रहा था। मतलब सिंधू के सिचुएशन का फ़ायदा उठाने की ट्राई कर रहा था, उसे टच कर रहा था गलत जगह पर, और सिंधू ये सब कुछ टॉलरेट कर रही थी क्योंकि उसे इस बार ईशान से धोखा खाने के बाद उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था सब कुछ तोड़ दूँ फोड़ दूँ, लेकिन अपने पापा यानी कि अपने एडॉप्टिव फादर की कंपनी को भी उसे बचाना था, तो इसी बात की वजह से सब कुछ झेल रही थी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है सिंधू वॉशरूम से बाहर आती है, तो वहाँ पर ईशान होता है। ईशान बोलता है मैंने सोचा नहीं था तुम मेरे छोड़ने के बाद इस तरह से राह चलते क्लब पर मिलोगी। ये सुनने के बाद सिंधू बोलते कि क्यों कोई प्रॉब्लम है क्या, अब तुमने मुझे धोखा दिया, इस बार तो मैंने सोचा थोड़ा अपना गम मिलाने के लिए किसी और के साथ अपना थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूँ, तो मुझे कुछ अलग मिलेगा ना, एटलीस्ट तुमसे तो बेटर ही मिलेगा। ये सुनने के बाद वो उसे बोलता है कभी ये मत सोचना कि मुझसे तुम्हें कोई और बेटर मिल सकता है, लेकिन मुझे बुलाने के लिए तुम इस तरह से पागलों की तरह हर किसी के साथ मिलती रहोगी ना तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा के बाद सिंधू बोलते कि होते कौन है सब कुछ बकवास करने वाले। ऐसा के बाद ईशान बोलता है कि अब तुम्हारा और मेरा रिश्ता पर्सनल जो भी हो, लेकिन दुनिया के लिए तुम मेरी बहन हो, मेरी फैमिली की छोटी बेटी, उस टाइम पे मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट तो करना पड़ता है, और मैं मेक श्योर करना चाहता हूँ कि तुम कोई ऐसे राह चलते ऐसे घटिया से इंसान के साथ ना लगो। ऐसा हो बोलता है सिंधू बोलती है तुमने मेरे साथ अपना रिश्ता तोड़ा हुआ था, अब इस तरह से मेरे ऊपर हक जताने का कोई फ़ायदा नहीं, हटो यहाँ से, बोल के वहाँ से चली जाती है। तो अगले सीन में दिखाया जाता है जो ईशान था उसने उस बंदे को बहुत बुरी तरह से पीट दिया था, और उसने धमकाया हुआ भी था कि सिंधू के कंपनी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट को करने वाला था उसको तोड़ दे, क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता था उसे सिंधू के कंपनी से ज़्यादा उसकी बॉल पे इंटरेस्ट था। तो हम देखते हैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग वाला सीन जहाँ पर वो बंदा आके सिंधू से उसकी कंपनी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट करने वाला था उसको तोड़ देता है, और तो ये बोलता है कि मुझे लगा रही था तुम ईशान की बहन हो, और अगर उसकी बहन हो तो उस टाइम पे ना मुझे तुम तेरे साथ कोई भी काम नहीं करना, वरना तुम्हारा भाई आके मुझे कभी भी तोड़ सकता है, बोल के वहाँ से चला जाता है। ये सुन के तो सिंधू को बहुत गुस्सा आता है, और उसकी जो सिस्टर थी जो उसके साथ काम करती थी उसके असिस्टेंट उसे सिस्टर बोलती है, तो उसे बोलते कि एक बात बताओ ये है कौन। ये सुनने के बाद वो बोलती कि मुझे नहीं पता मेरा कोई पूरा पास्ट है। ये सुनने के बाद वो बोलते कि पर मुझे नहीं पता हम दोनों जब फॉरेन में मिले थे उस टाइम पे तो तुमने कभी उसके बारे में बताया नहीं, बोल के उसे पूछ रही होती है। उसके पापा उसे कॉल करते हैं उसके एडॉप्टिव फादर, और वो बोलते हैं जेंग फैमिली ने हमारे जो भी डेब्ट्स थे वो सब कुछ पे कर दिए बेटा। ये सुनने के बाद सिंधू को तो और ज़्यादा गुस्सा आता है कि ईशान करना क्या चाहता है, वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो पूछना चाहती थी ईशान से कि ये सब कुछ क्या चल रहा है, इसीलिए वो एक पार्टी में चली जाती है जहाँ पर उसकी सिस्टर कंटिन्यू से उसे पूछी जा रही थी कि ये बंदा है कौन एग्जैक्टली, मुझे बताओ ये कौन है, हमारी कंपनी के लिए इतना कुछ कर रहा है तो कोई तो खास होगा ना, तभी फिर भी सिंधू उसे कुछ भी नहीं बताती। और हमें ये दिखाया जाता है सिंधू सीधा ऐसे चली जाती है एक जगह पे जहाँ पर ईशान अपने फियांसी के साथ आया हुआ था, उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाने वाली थी, सिंधू गाड़ी से बाहर आती है, और उसके बाद ईशान उसे बोलता है तुम मुझे भुला नहीं पा रहे हो ना प्यारी बहन, जो बार बार मेरे आसपास मंडरा रही हो, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। ये सुन के बाद सिंधू पूछती है मुझे एक बात बताओ तुम मुझसे प्यार नहीं करते ना। ये सुनने के बाद ईशान बोलता है नहीं। ये सुनने के बाद सिंधू बोलती है तो तुमने समझ के क्या रखा हुआ है मुझे, मैं कोई चीज़ जो जब मन चाहा इस्तेमाल करोगी और उसके बाद फेंक दोगी, तुमने खुद बोला था यू डोंट लव मी एनीमोर, अब चल क्या रहा है तुम मेरे कंपनी के सारे पैसे क्यों पे करवा रहे हो, अब तुम्हारा क्या प्लान है, क्या करना चाहते हो। ये सुनने के बाद ईशान बोलता है कि तुम मुझे खुद की तरह समझ रहे हो क्या, कि अगर कोई कुछ कर रहा है तो उसके पीछे जरूर कोई मकसद होगा, ऐसी कोई मकसद नहीं। ये सुनने के बाद सिंधू बोलती है अगर मकसद नहीं है तो तुम मेरे पापा की कंपनी के ऊपर इतना पैसा क्यों लगाए हुए हो, मुझे अच्छी तरह से पता है तुम्हारी खानदान कभी भी किसी चीज़ को इस तरह से इन्वेस्ट नहीं करता जब तक उनको वहाँ पर फ़ायदा ना दिखे। ये सुनने के बाद ईशान बोलता है क्योंकि तुम मेरी फैमिली की बेटी हो, दुनिया के लिए तुम मेरे पापा की स्टेप डॉटर हो, और उस टाइम पे मैं मेक श्योर करना चाहता हूँ कि तुम राह चलते हर मर्द से ना मिलो, और मैं हर बार जब क्लब पे जाता हूँ ना तो तुम किसी और लड़के के साथ मिली जाती हो, तो वो ना करना पड़े, वो ना देखना पड़े, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारा नाम हमारे फैमिली के रेपुटेशन के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसा वो बोलता है। ये सुनने के बाद सिंधू को बहुत गुस्सा आता है, वो बोलती है कि तुम्हें सब कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें इन सब चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ना ही तुम मेरे अपने भाई हो
ना ही तुम मेरे कुछ लगते हो, ऐसा वो बोलती है। तभी गाड़ी से बाहर निकलती है माई, तो माई बोलती है ये कौन है ईशन, और तभी वो उसे देखती है और उसके बाद हमारा बंदा ईशन ऐसे उसे अपने पास खींचता है और वो बोलता है इससे मिली ये मेरी छोटी बहन है, मेरी फैमिली की, मेरे पापा की मिस्ट्रेस की बेटी, और उसको कुछ ज़्यादा ही चढ़ी हुई है गर्मी अभी जो मुझसे लड़ाई करने आई है। ऐसे सुनने के बाद जो शिनलू थी उसे बहुत गुस्सा आता है। वो बोलती कि ओ इसका मतलब तुम मेरी होने वाली भाभी हो, अगर तुम मेरी होने वाली भाभी हो तो मुझे अपने भैया के बारे में कुछ बताना पड़ेगा, तुम्हें बहुत सारी चीज़ें जो सिर्फ मुझे पता है किसी और को नहीं। ये सुनने के बाद शिनलू की बातें सुनने के बाद ईशन को तो बड़ा गुस्सा आ रहा था, वो उसे बोलता है चलो मेरे साथ, और उसके बाद उसे गाड़ी की तरफ ले जाता है। माई पूछती है असिस्टेंट से कि चल क्या रहा है इन दोनों के बीच में, कहते हैं भाई बहन है लेकिन इस तरह से एक दूसरे के खून करने के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। ये सुनने के बाद असिस्टेंट बोलता है कि इन दोनों का रिश्ता ही ऐसा वाला है जैसा दुनिया समझती है उससे तो पूरा उल्टा है, ऐसा वो बोलता है। गाड़ी में जाने के बाद शिनलू ऐसे गाड़ी लेके आगे जाती है, एक बंदे को ठोकने ही वाली थी, शिनलू का पूरा दिमाग ख़राब हो रखा था कि ये करना जगह जाता है। वो उससे बोलते हैं तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तभी ईशन बोलता है तुम क्या चाहती हो, क्या सुनना चाहते हो हाँ, और तभी शिनलू बोलते हैं कि तुम मेरे लाइफ में क्यों हो, तुमने बोला था ना कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम मेरा इस्तेमाल कर रहे थे, मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया तुम्हारी फैमिली इंटर करने के लिए और तुमने मेरा इस्तेमाल किया, अब क्या। ये सुनने के बाद ईशन उसे बोलता है तुम मेरी मजबूरी का फ़ायदा मत उठाओ, मैं तुम्हें बिल्कुल हट नहीं कर सकता ये तुम्हें भी पता है अच्छी तरह से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें कुछ भी ना करूं और तुम्हारे कोई बेवकूफ़ी को मैं नज़रअंदाज करूं, मैं अपने पापा को नहीं छोड़ सकता, भले ही उस बंदे ने तुम्हारे साथ बहुत कुछ किया हो लेकिन मेरे साथ हमेशा अच्छा रहा है वो इंसान, और उसने और उसकी वजह से मेरी लाइफ बहुत बेहतर हुई है, इस टाइम पर मैं अपने पापा को चूज कर रहा हूँ, तुम्हारे साथ मैं कभी हो भी नहीं सकता और मैंने कभी तुम्हारे साथ होने का बारे में सोचा भी नहीं था क्योंकि मुझे डे वन से पता था तुम्हारे साथ में होने के बारे में सोचूंगा उस टाइम पर मैं अपने पापा को खो दूंगा और मैं अपने पापा के एहसानों के बदले इतना दबा हुआ हूँ कि मैं तुम्हारे बारे में कभी सोच भी नहीं पाऊंगा, आज के बाद हम दोनों नहीं मिलेंगे और आज के बाद हम दोनों एक दूसरे के बारे में सोचेंगे भी नहीं, बोल के वो गाड़ी से निकल लेता है। शिनलू को ये सुन के और ज़्यादा बुरा लग रहा था, ओ मनी मनु यही सोचती है कि तुम हर बार मेरी जगह पर अपने पापा को चूज करते हो, उस इंसान को जिससे मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा नफरत करती हूँ, आई हेट यू, बोल के ऐसे रो रही हो। सो अब दिखाया जाता है माइक के साथ उसका रिश्ता पक्का हो गया, कुछ फोटोशूट चल रहा होता है, यहाँ पर शिनलू पहुँचती है फूलों का बुके लेके, भाभी भाभी कहते हुए वो माइक के साथ बहुत ज़्यादा बात करने लगती है, और ये सब कुछ देख के जिनको बिल्कुल पसंद आ नहीं रहा होता है, बंदा ऑलरेडी व्हील चेयर में था लेकिन वो अपना ऐसे दिया कर रहा था जैसे कि उसका सर फोड़ देगा, और सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल ना हो इसी बात की वजह से ईशन शिनलू को एक कमरे में ले जाता है और बोलता है तुम करना क्या चाहते हो, मैंने बोला हुआ है प्लीज़ पापा के साथ ये सब मत करो, वो ये सब कुछ डिजर्व नहीं करते। ये सुनने के बाद शिनलू बोलते कि तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है, हम दोनों के इसमें कुछ भी नहीं, बहुत बार तुम बोल चुकी हो तुम्हें बहुत कुछ कर सकती हो, तुम्हें पता है मैं मुझे रिवेंज चाहिए, मुझे उस बंदे के साथ बहुत कुछ करना है जो उसने मेरी माँ के साथ किया था, मेरी माँ को मरने के लिए रोड पर छोड़ दिया था जिन्होंने मुझे अडॉप्ट किया हुआ था। ये सुनने के बाद शिनलू को जेंग बोलता है तुम्हें अच्छी तरह से पता है ना वो तुम्हारे पापा है फिर भी तुम ये सब कुछ कर रही हो, ये सुनने के बाद वो बोलती है तुम्हें पता है, और तभी ईशन बोलता है हाँ मुझे पता है तुम उनकी असली बेटी हो और मैं उनका असली बेटा नहीं हूँ, ये तो मुझे डे वन से पता था कि मैं उनका असली बेटा नहीं हूँ, उन्होंने मुझे जो लाइफ दिया हुआ है उसके सामने ये कुछ भी नहीं है, ये तो छोटा सा राज है क्योंकि उनसे मुझे उतना प्यार मिला हुआ है, प्लीज़ ये सब कुछ मत करो वो तुम्हारे पापा है, ऐसा वो बोलता है। शिनलू ना बहुत इमोशनल हो जाती है और उसके बाद ही शिन बोलता है तुम्हारे मन में बहुत ज़्यादा नफरत है मुझे पता है क्योंकि तुम्हारे मोम की डेथ के वक्त में पापा उनके साथ नहीं थे, इसीलिए तुम्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने तुम्हारी मोम को ऐसे मरने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, तो तुम्हारी असली मोम में उनकी मौत तो बहुत पहले हो चुकी थी और जो तुम्हारे साथ रहती थी वो तुम्हारी एडॉप्टिव मोम नहीं थी, वो उनकी आंटी थी, और उसके बाद वो बोलता है प्लीज़ वो बहुत अच्छी थी, अगर वो आज जिंदा होती है तो तुम्हें इस हाल में देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं फील नहीं करती, प्लीज़ ये सब कुछ छोड़ो मेरे लिए, मैं तुम्हें बार बार हर्ट होते हुए नहीं देख सकता और बार बार मैं पापा के सामने तुम्हें प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकता, तुम्हें पता भी है ना कि मैं तुम्हें चूज भी नहीं कर सकता और इस बार मुझे और कितना डर पाऊँगी, प्लीज़ शिनलू रुक जाओ ना, ऐसा वो बोलता है। शिनलू बहुत इमोशनल होती है, उसे गले लगाता है और वो बोलता है मैंने तुमसे जितना प्यार किया हुआ है ना इतना मैं किसी और से प्यार नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये समझ चुका हूँ हम दोनों साथ नहीं हो
सकती, मैं बस तुम्हें शार्क खतरे से बचाना चाहता हूँ। जिस पे तुम ऐसे जानबूझ के वहाँ पर पैर रख रही हो, तो इस बार प्लीज़ ये सब कुछ करना बंद करो या फिर मूव बंद करो, हम दोनों में कुछ नहीं हो सकता। मैं बस ड्रामा कर रहा था, 5 साल पहले तुम मुझे छोड़ के इसलिए गई थी क्योंकि तुम्हें सच पता चल चुका था, तो अब इसको ऐसे ही रहने दो ना। मैं तुम्हें अपनी लाइफ की सबसे बेस्ट मेमोरी बना के ऐसे छोड़ना चाहता हूँ। ऐसे नहीं कि तुम मेरे साथ इतना कुछ कर रही हो और मेरे मन में तुम्हारे लिए कुछ गलत फीलिंग आए, ऐसा हो बोलता है शिल्लू, कुछ भी बोल नहीं पाती। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है शिल्लू कुछ समय तक अपने काम पे लगी रहती है। तो हमें अब पता चला शिल्लू फाइनली अपने रिवेंज को छोड़ चुकी थी शायद ईशन के लिए, ईशन से वो इतना प्यार जो करती थी। और उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है शिल्लू काफ़ी प्यार से काम कर रही थी, काफ़ी अच्छे से। और एक दिन ऐसा होता है कि शिल्लू को कोई किडनैप कर लेता है, तो बाद में पता चला एक लड़की जो पट्टी में थी शिल्लू को किडनैप करती है और वो बोलती है अगर तुम ख़त्म होगी तब जाके मैं ठीक हो पाऊँगी। ये सुनने के बाद वो बोल रही थी तुम कौन हो और तुम चाहती क्या हो, तुम्हें पैसे चाहिए मैं दे दूँगी, छोड़ो मुझे। लेकिन वो बोलती है मेरी लाइफ का एक ही मकसद है सिर्फ तुम्हें ख़त्म करना, और बाद में पता चला ये तो शिया है। तो इस बंदी ने प्लास्टिक सर्जरी कराई हुई थी और उसकी शक्ल को शिल्लू की तरह देख रही थी। आप लोग देख सकते हो ना ईशन के लिए उसका ऑब्सेशन किस लेवल तक था। और उसके बाद वो बोलती है अब इतना कुछ होने के बाद मैं भी देखती हूँ ईशन किस तरह से तुम्हारे पीछे जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा, अब वो सिर्फ मेरा होगा मेरा। ऐसे होने के बाद शिल्लू हंसती है और बोलती है कि जिस वक्त मैं उससे इतना नफरत करती थी उस वक्त भी वो मेरे साथ था। तुम्हें लगता है कि तुम उसे ऐसे एक शक्ल लगा के मेरी जैसी शक्ल लगा के अपना बना पाओगे, तो चलो ट्राई करके देखो, मुझे अपने प्यार पे इतना भरोसा है, ऐसा वो बोलती है और उसे बेहोश करती है। तो अब उसके बाद हमें दिखाया जाता है, आप लोग सोचो शिल्लू ऐसी लड़की है जो नफरत करती है तो भी वो ईशन को जला के करती है, उसके आसपास होती है, उसके आसपास होकर ही उसका नफरत प्यार सब कुछ चलता रहता है। और ये बंदी तो टोटली ईशन को इग्नोर मार रही थी और जियान के साथ ऐसे लबी रबी हो रही थी, और उसके बाद वो पूरे अपने कंपनी में लोगों को टैंट्रम थ्रो कर रही थी। तो ये चीज़ इस पर बहुत भारी पड़ गया क्योंकि ईशन को इजीली पता चल गया ये शिल्लू नहीं है। और बाद में जियान और ईशन मिलके उसकी जो धुलाई करते हो वो तो अलग लेवल पे था। और उसके बाद वो लोग पूछते हैं कहाँ पर है शिल्लू, तभी शिया बोलते हैं कि अब पकड़ के बस जाने के लिए रेडी हो रही है, तो जाओ जा हो सके तो बचा के दिखाओ बोल के उसे चैलेंज करती है। अब तो जिया जो हमारा बंदा था वो काफ़ी परेशान हो जाता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है शिल्लू, उसे उसने बॉम्ब फिट करके रखा हुआ था, उसे काफ़ी घबराहट हो रही थी, उसे मरने से डर नहीं लग रहा था, लेकिन उसके आखिरी समय पर भी उसे बस ईशन ही याद आ रहा था, ईशन के साथ बिताए हुए काफ़ी अच्छे पल, और जिस तरह से उसने बार बार उसे शादी के लिए प्रपोज किया हुआ था वो सब कुछ। और वो मन ही मन में सोचती है इस चरण में शायद हम दोनों कभी साथ नहीं हो पाएंगे, मुझे माफ़ कर देना। लेकिन तब तक वो वहाँ पर पहुँच जाता है और वो सीधा उसके पास जाता है। शिल्लू बोलती है तुम फाइनली आ गए, मुझे पता था तुम उसके बात में बिल्कुल भरोसा ना करते और तुम मुझे इतना चाहते हो, मुझे पता है कि तुम किसी और को मेरी जगह पर इमेजिन कर ही नहीं सकती। और वो बोलते हैं पर यहाँ पर तुम मत रहो, यहाँ पर बॉम्ब कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। तभी ईशन उसे बोलता है मैं रिमोट कंट्रोल लेके आया हूँ, तुम टेंशन मत लो। और उसके बाद वो रिमोट ऑन ऐसे बंद करता है तो बॉम्ब डिफ्यूज हो गया, लेकिन बाद में पता चला कोई तार लगा हुआ था जिस बात की वजह से फ्यूज थी, एक बार टिकट ऐसे होता है ना टूट टूट होने लगता है। लेकिन यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को पकड़ के बैठे हुए थे और एक दूसरे के बारे में इतना ट्रस्ट था कि इन दोनों ने सोचा मरेंगे तो साथ ही मरेंगे, अगर चांस मिलेगा तो साथ ही जिएंगे। तो उसके बाद वो तार को ऐसे खींचता है और वो तार छूट गया, इस बार बॉम्ब परमानेंटली डिफ्यूज हो गया और कोई पंगा भी नहीं हुआ, जिस बात की वजह से दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। और उसके बाद ये दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार से गले लगाते हैं। शिल्लू का भी अलग ही सीन है क्योंकि वो जब प्रॉब्लम में होती है तो वो ईशन को गले लगाती है जोर से और फिर से उसे इग्नोर करना स्टार्ट कर देती है, जो देख के तो ईशन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। तो अब हम देखते हैं एक और सीन में तो होता ही है शिल्लू की जो बहन थी उसकी मतलब मुँह बोली बहन जो उसकी असिस्टेंट भी थी वो बहुत स्ट्रांग थी, इसी बात की वजह से उसे क्लब से बाहर ले आ रहा होता है और दोनों काफ़ी अच्छे से बात करते हुए गाड़ी की तरफ जा रहे थे। शिल्लू ये देख लेती है, वो बोलती है तुम
मेरी बहन के साथ क्या कर रहे हो, वो उसे गाड़ी में रखता है, उसकी बहन को तो गाड़ी में वो सो जाती है। और हमें दिखाया जाता है, ईशन बोलता है तुम्हारी बहन को घर पे ले जा रहा हूँ, इसमें क्या प्रॉब्लम है। ये सुनने के बाद सिंधु बोलती कि वो मेरी बहन है। ये सुनने के बाद ईशन बोलता है, हाँ मुझे पता है अगर तुम्हारी बहन है तो मेरी भी बहन हो गई ना, तुम क्या सोच रहे हो, मुझे पता है अपनी बहन को कैसे ट्रीट करना है। ये सुनने के बाद सिंधु बोलती है, ये कोई मजाक नहीं है, ठीक है ना, और मेरी बहन बहुत इनोसेंट है, उसके साथ कोई गेम मत खेलो। ये सुनने के बाद ईशन बोलता है कि मैं क्या गेम खेल रहा हूँ, तुम भी ना कुछ भी समझती रहती हो, कुछ भी सोचती रहती हो, अब तुम तो कभी मेरे आसपास आती नहीं हो, तुम हमेशा मुझे इस तरह से यूज करती हो जैसे कि मैं कोई चीज़ हूँ, तो अब तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है कि मैं किसी और के साथ हूँ, तुम्हारी बहन ही सही, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है, बोल के जाने वाला था। इसलिए उससे बोलते कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये सुनने के बाद ईशन उसे बोलता है, तो किसके साथ करूँ मुझे बताओ, तुम्हारे साथ, बोल के उसे ऐसे किस करता है। और सिंधु तो शौक में आती है। और उसके बाद ईशन उसे बोलता है, तुम मुझे बार बार अपने से दूर कर रहे हो, तुम मुझे इतना कन्फ्यूज करो जितना इस दुनिया में किसी और ने नहीं किया होगा, मैं तुमसे जस्ट बिकॉज प्यार करता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि तुम बार बार मुझे तड़पाती रहोगी, मुझे तरसाती रहोगी और मुझे ऐसा फील करवाओगी कि मैं कोई गलत चीज़ करवा रहा हूँ, तो मैं थक चुका हूँ, अब मैं ना तुमसे बोर हो चुका हूँ, मुझे कोई और चाहिए, तुमसे बेटर, तुमसे बेस्ट और एज में भी तुमसे थोड़ी छोटी, क्योंकि यंग लड़की को डेट करने में ना बहुत अच्छा लगता है, तो इसीलिए तुम्हारी बहन से। सुनने के बाद सिंधु उसे बोलती है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। वो बोलता है, तुम मुझे रोकोगी, सिंधु बोलती है हाँ, तभी ईशन बोलता है कैसे रोकोगी। सुनने के बाद सिंधु बोलती है ऐसे और उसे कस करने लगती है, दोनों का तो भयंकर रोमांस चल ही रहा होता है। और तभी हमें दिखाया जाता है, जो हमारी बंदी थी गाड़ी के अंदर अचानक से उसकी आंखें खोली और जो सीन दिखती है वो, उसके बाद तो उसका तो सर फट गया, उसे अब जाके पता चला सिंधु और ईशन कपल है, मतलब ये दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। हम देखते हैं अब अगले वाले सीन में, जहाँ पर सिंधु की सिस्टर ऐसे ईशन मॉर्निंग कर रहा था वहाँ पर आती है और बोलती है, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा नाश्ता लेके आई थी चलो। और उसके बाद हम देखते हैं अगले वाले सीन में, जो सिंधु थी वो अचानक से अभी घर पे आती है और वो दरवाजे पीटती है और उसके बाद अंदर की तरफ जा रही होती है। उसकी बहन बोलती है, जा कहाँ पर रही हो, तभी वो बोलती है यहाँ पर ईशन है ना, ईशन यहाँ पर क्या कर रहा है। ये सुनने के बाद उसकी सिस्टर बोलती है कि क्या कर रहा है, मतलब आराम कर रहा है, तुम यहाँ पर ऐसे क्यों आई हो, जैसे कि मैं कोई छोटी बच्ची हूँ, मैं बच्ची नहीं हूँ ठीक है ना। ये सुनने के बाद सिंधु बोलती है कि पर वो तुम्हारे साथ नहीं हो सकता, तुम नहीं समझ रही हो। ये सुनने के बाद सिंधु को उसकी सिस्टर बोलती है, तो प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं 18 साल से ऊपर हो चुकी हूँ तो मेरे पास भी राइट है ना, मैं किसी को चूज कर सकती हूँ, अच्छा है, गुड लुकिंग है, हैंडसम है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या, क्या बात है, तुम पसंद करती हो। सिंधु बोलती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, तो अंदर रूम में जाती है, देखती है ईशन बेड पे सो रहा होता है, वो उसे उठाने की ट्राई करती है, ईशन उठो उठो, वो नहीं उठता। तभी उसकी सिस्टर बोलते कि प्रॉब्लम क्या है, तुम मेरी बहन हो ना, जस्ट बिकॉज तुम मेरी मुँह बोली बहन हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे साथ कुछ भी करोगी, अगर हम दोनों का अच्छा बन रहा है ना इस टाइम पे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। सुनने की बस सिंधु उसे बोलते कि तुम नहीं समझ रहे हो, ये लड़का तुम्हें पसंद नहीं करता। ये सुनने के बाद सिंधु को उसकी सिस्टर बोलते कि तुम होती कौन हो ये डिसाइड करने वाली कि कौन मुझे पसंद करेगा और कौन नहीं। तभी वो उसे बोलती है कि क्योंकि वो मुझे पसंद करता है। ये सुनने के बाद उसकी बहन हंसती है, बोलती कि तुम भी ना कुछ ज़्यादा ही इमेजिनेशन में रहती हो, या फिर इसलिए तुम ये सब कर रही हो क्योंकि तुम मुझे पसंद करती हो। तभी सिंधु बोलती है कि हाँ मैं उसे पसंद करती हूँ, तो तुम्हारे साथ वो कैसे रह सकता है। ये सुनने के बाद उसकी सिस्टर हंसती है, बोलती कि अच्छा तो तुम पसंद करती हो। तभी पीछे से हमारा बंदा बोलता है, मैंने बोला था ना साली साहिबा, हमारी बंदी बहुत ज़्यादा अकड़ू है, बहुत ज़्यादा जिद्दी है, इसके मुझे सच उगलवाने में हमें कितना मेहनत करना पड़ा, ओफो। तो ऐसे वो देख रहा होता है, बाद में पता चला सिंधु की सिस्टर और ईशन ने मिलकर सब कुछ प्लान किया हुआ था, क्योंकि हमारी साहबजादी तो बिल्कुल भी कन्फ्यूज करने के लिए रेडी नहीं थी कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तो ये सब कुछ होने की वजह से इतना कुछ हो गया। सिंधु बोलती कि तुम दोनों प्लान कर रहे थे मेरे अगेंस्ट। ये सुनने के बाद उसकी सिस्टर बोलती कि अब ना तुम मुझे डांटना मत, मैंने देखा उस दिन पार्टी में इतना कुछ देखने के बाद मुझे इतना समझ तो आया कि कौन था वो लड़का, और तुम दोनों क्या हो, मैं एक दूसरे के लिए बहुत प्यार दिखा है मैंने, तो अब प्लीज़ मना मत करना कि तुम दोनों एक दूसरे को लाइक नहीं करते हो, और एक अच्छी बहन होने के नाते से मेरा फर्ज बनता है अपनी बहन की लाइफ में सब कुछ अच्छा शुभ मंगल करवाऊँ, तो मैंने वही किया, मुझे माफ़ कर देना, आई एम सॉरी, बोल के वहाँ से भाग जाती है और जान से पहले बोलती है जीजा जी आज मेरी बहन को पटाई लेना, बोल के भाग जाती है। सिंधु को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, वो वहाँ से जाने वाली थी।
सुनो से बोलता है आप कहाँ जा रहे हो इतना कुछ करके, मैंने तुमसे तुम्हारे दिल की बात उगलवाई, अब क्या चाहिए। सुनने के बाद शिनो से बोलती है हमारे बीच में कुछ हो नहीं सकता। तभी शिनो से बोलता है पर क्यों। शिनो बोलती है क्योंकि हम दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। सुनने के बाद शिनो से बोलता है कि हाँ मुझे पता है हम दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, ना ही कुछ ऐसा है जो हम दोनों को एक कर सके, लेकिन क्या करूँ मैं अपने आप को रोक नहीं पाता तुम्हारे करीब आने से। ऐसा वो बोलता है और उसके बाद वो सिंधु के करीब जाता है और उसे ऐसे किस करने लगता है। सिंधु अपने आप को रोक नहीं पाती एक और बार ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। और सुबह वाला सिंधु घर जाता है, सिंधु पूरी तरह से उठी भी नहीं थी, उसकी आँख भी नहीं खुली थी। वो वॉशरूम की तरफ आती है और कल रात वाला इंसिडेंट याद करके वो अपना सर पीट रही थी, क्योंकि वो मेक श्योर करना चाहती थी वो इससे दूर चली जाए दूर चली जाए, लेकिन यहाँ पर तो सारी कायनात उसे उसके करीब ले जा रही थी। अब हमें दिखाया जाता है सिंधु अपना सारा सामान पैक करके ऑफिस पे जाती है और उसके बाद उसकी सिस्टर बोलते कि बहना कहाँ पर जाने की तैयारी हो रही है। सुनने के बाद उसे बोलते कि तुम अब एडल्ट हो चुकी हो मुझे पता है। सुनने के बाद उसकी सिस्टर बोलते कि हाँ वो तो मुझे पता है तो क्या। सुनने के बाद वो उसे बोलती है कि आप मैं फॉरेन जा रही हूँ, कंपनी की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर छोड़ रही हूँ, पापा से अच्छे से बर्ताव करना और पापा से गुस्सा बिल्कुल मत करना। ये सुनने के बाद उसकी सिस्टर बोलती कि पर जा क्यों रही हो, मुझे पता है तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, इसमें इंबारस होने वाली कौन सी बात है, इसके लिए तुम शेर चुर्क तो मत जाओ ना, नीरज जी को कैसा लगेगा। ये सुनने के बाद सिंधु बोलती कि बकवास बंद कर बना मुँह तोड़ूंगी, क्योंकि अब एडल्ट हो चुकी है तो पी सकती हूँ मैं तुझे। ये सुनने के बाद उसे बोलती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम उससे प्यार करते हो फिर भी उसे छोड़ के जा रही हो। सुनने के बाद सिंधु उसे बोलती कि हम दोनों के बीच में कुछ भी हो नहीं सकता, जो भी था बहुत सालों पहले खत्म हो चुका है, अब जबरदस्ती मुझे उसके सर पे मत पड़वाओ ठीक है ना। ये सुनने के बाद सिंधु को उसकी सिस्टर बोलती कि पर मैं ऐसा नहीं कर सकते ना मैं, क्योंकि मैंने अपने कंपनी से ज्यादा बेटर तो तुम्हें चूज किया हुआ है, कंपनी तो छोड़ो कंपनी को तो मैं संभाल लूंगी, लेकिन तुम्हें संभालने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना, वरना सोचो अभी अभी मैं एडल्ट हुई हूँ, किसी दिन मैं भी तो शादी करके जाऊंगी और तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा। और उसके बाद वहाँ पर दिखाया जाता है मैं हूँ ना सैली साहिबा, तो एक बार फिर से ईशान यहाँ पर आया हुआ था। ईशान को देखने के बाद सिंधु बोलती है यहाँ पर क्या कर रही है, मेरी कंपनी है। ये सुनने के बाद ईशान बोलता है कि भूलो मत, इस कंपनी को बचाने के लिए मैंने पैसे खर्च किए हुए हैं, तो यहाँ पर तो मैं कभी भी आ सकता हूँ। तब सिंधु की सिस्टर बोलती कि हाँ जीजाजी आप कभी भी आ सकते हो, अब एक काम करो ये मेरी बहन फिर से भागने की तैयारी कर रही है तो इसको उठा के ले जाओ। और लिटरली वो उसे उठा के लेके आता है और उसके बाद अपने असिस्टेंट को बोलता है इसके सारे सामान को मेरे घर पे लेके आओ और मेक श्योर करना है घर से ना निकल पाए। तो हम देखते हैं सीधा अब उसके बेडरूम पे जहाँ पर उसे लेके ऐसे रखता है। शिनलो उसे बोलती है कि एक किडनैपिंग है और मैं पुलिस के पास जाऊँगी। ये सुनने के बाद ही शिन बोलता है कि हाँ हाँ शौक से जाओ मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये सुनने के बाद ही शिन को शिनलो बोलती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम मुझे ऐसे क्यों रख रहे हो, तुम्हें पता है ये सब कुछ इलीगल है। शिनलो को शिन बोलता है कि क्यों मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुनने के बाद सिंधु बोलती है कि ये क्या बकवास है, कुछ और बोलो कुछ नया बोलो, मुझे ये सब कुछ सुन के ना बोर लग रहा है। ये सुनने के बाद ईशान बोलता कि नया सुनने तुम्हें कोई बात नहीं, एक्चुअली क्या है ना मुझे तुमसे एक बच्चा चाहिए और मुझे एक बच्चे के लिए ना कोई बाहर वाली नहीं चाहिए, अपनी बंदी चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। सिंधु तो अपने आप को कवर करती है, बोलती कि चोरे इंसान क्या बकवास कर रही हो। ये सुनने के बाद ईशान बोलता है अब क्या करूँ मैं, अगर मैं तुम्हें बाहर छोड़ दूंगा तो तुम फिर से फॉरेन भाग जाओगे और मुझे और 5 साल वेट करना पड़ेगा, ऑलरेडी पहले 5 साल में अपना बर्बाद कर चुका हूँ तुम्हें याद करते करते, और दोबारा भाग के जाऊंगी किसी और के साथ में वो बन कर ही नहीं पाऊंगा, उसकी बात फिर से मुझे तुम्हारा इंतजार करना पड़ेगा, तुम मैं तो बुढ़ा हो जाऊंगा, इससे बेटर है इस बार ही मैं उस चिड़िया का पंख ही काट दूं जो उड़ने वाली है, बोलता है। और उसके बाद सिंधु बोलती है मुझे कब तक बंद करके रखोगे, मैं तो यहाँ से निकल जाऊंगी। तभी ईशान उसे बोलता है जब तक बंद करके रखूंगा तब तक तुम्हारा पासपोर्ट तुम्हें मिलेगा ही नहीं, और इस पासपोर्ट को तो मैं ऐसे लॉक करके रखने वाला हूँ, ऐसे मेरे पास एक और आइडिया है, इसको जलाई दूंगा, काम ही सारा खत्म। सिंधु बोलते कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तभी ईशान बोलता है मैं बहुत कुछ सब कर सकता हूँ बेबी, और उसे ऐसे किस करता है। सिंधु बोलती है बकवास बंद करो और ये सब कुछ करना बंद करो, लेकिन वो बिल्कुल नहीं रुकता, उसे कंटिन्यूसली 3-4 बार किस करता है और सिंधु तो शौक में, और उसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ यहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। हम देखते हैं अगले वाले सीन में सिंधु से बहुत ज़्यादा गुस्से में ऐसे सोफे पर बैठी हुई थी, उसके पास आता है और वो बोलता है मुझे मिस कर रही हूँ मैं, यहीं पर तो हूँ ना बेबी। ये सुनने के बाद सिंधु बोलती है कि बाहर किस
नहीं, मुझे यहाँ से जाना है, तुम मुझे ऐसे बंद करके नहीं रख सकते। ये सुनने के बाद सिंधु को ऐसे ईशन बोलता है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ बेबी, तुम बार बार मुझे ना ऐसे प्रोवोक मत करो कि तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते। मुझे ऐसा फील होता है कि तुम बोल रहे हो तो मुझे करना चाहिए। और तभी वो उसके पेट में बहुत दर्द होता है, इसी बात की वजह से वो उसे डॉक्टर को बुलाता है वहाँ पर घर पर चेक करने के लिए। और पता चला सिंधु जो है वो तो प्रेग्नेंट है। जो सुनने के बाद ईशन तो बहुत ज़्यादा खुश था, वो जाता है सिंधु के पास और वो बोलता है, हम पेरेंट बनने वाले, तुम खुश नहीं लग रही हो। सुनने के बाद सिंधु ना थोड़ा सा सैड शक्ल बना रही होती है और वो बोलती है कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए। सुनने के बाद ईशन बोलता है, तुम्हें ऐसा क्यों बोल रही। सो हम देखते हैं वो उसे बोलती है, मैं उस बच्चे को पैदा करके क्या करूँगी जो बच्चा ऑलरेडी एलिजिबल चाइल्ड है। ये तो तुम्हारा नाजायज बच्चा है ना, तुम किसी और के साथ शादी करोगे और वो तुम्हारी लीगल वाइफ होगी। जो लाइफ मैंने जी हुई है वो लाइफ मैं तुम्हें किसे जीने दे सकती हूँ। और तुम तो बिल्कुल ही मेरे बच्चों पे ध्यान नहीं दोगे, और मैं अपने बच्चे को मेरी तरह लाइफ तो नहीं देना चाहती, इसलिए मैं उसको एबॉर्शन करवा दूंगी। तभी उसे वो बोलता है, तुम बहुत कुछ सोच रही हो, एक बार मेरे पास आओ। और उसके बाद वो उसे एक जगह पे ले जाता है जहाँ पर दोनों डिनर कर रहे होते हैं। वो उसे बोलता है, ऐसा नहीं कि तुम्हारी लाइफ बहुत मुश्किल रही है, मुझे पता है तुमने बहुत कुछ झेला हुआ है, लेकिन तुम्हें बहुत कुछ चीज़ें पता नहीं है। तुम्हारी जो माँ थी मेरे पापा की लीगल वाइफ थी। और उसके बाद वो उसे बोलता है, लेकिन जब तुम पैदा हो गई थी उसके बाद उनकी मौत हो चुकी थी, इसीलिए तुम्हारी फोस्टर मोम ने तुम्हें बड़ा किया हुआ था। इसी बात की वजह से पापा तुम्हारी मोम पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी, क्योंकि वो उनकी असली वाइफ नहीं थी। तुम्हारी मम्मा ने इस बात को कभी भी तुम्हें बताया नहीं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि तुम्हें बुरा लग सकता है, तुम्हें ऐसा फील होगा कि तुम्हें मेरे पापा ने ऐसे छोड़ दिया था, मतलब तुम्हें मेरे पापा बिल्कुल ही पसंद नहीं करते। सुनने के बाद सिंधु बोलते कि तुम्हें पता है ना, सचिन में पापा मुझे पसंद नहीं करते। ये सुनने के बाद उसे बोलता है, पापा ने मुझे बहुत अच्छे से रखा हुआ है, भले मैं उनका असली बेटा ना हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे अपने असली बच्चे से ज़्यादा प्यार किया हुआ है। शायद इस चीज़ में मैं बहुत किस्मत वाला था, इसलिए मैं कभी भी पापा को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैं उनका बेटा नहीं हूँ। फिर भी उन्होंने मेरी माँ और मुझे आखिरी दम तक बहुत अच्छे से रखा हुआ है, लेकिन मैं और ये सच भी कभी ऐसे टकरा नहीं सकता, क्योंकि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें इस तरह से राह चलते छोड़ सकता हूँ। अब एक और ट्राई कर सकते हैं, पापा का दिल तो हम जीत लेंगे एक बार, क्या तुम मेरे साथ नहीं रह सकती, क्या तुम मेरे साथ शादी कर सकती हो। बल्कि उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। फाइनली हमारी बंदी मान गई। तो हम देखते हैं अगले वाले सीन में, पापा के पास आता है हमारा बंदा और वो बोलता है, पापा मैंने डिसाइड किया हुआ है मैं शादी करूँगा। पापा तो बहुत खुश, क्योंकि उन्हें लग रहा था ये माई है, लेकिन वो बोलता है मैं सिंधु से शादी करना चाहता हूँ। पापा तो बहुत गुस्से में आते हैं। और उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है, सिंधु वहाँ पर पहुँच चुकी थी, पापा ऐसे उसे गालियाँ दे रहे होते हैं, लेकिन इस बार असिस्टेंट रोकता है और उसके बाद सिंधु उसे गले लगाती है। और पापा ऐसे बोल रहे थे, अगर तुम इसके साथ शादी करोगे तो मैं खुदकुशी कर लूँगा, यहीं से जंप लगा के मर जाऊँगा। ये सुनने के बाद सिंधु बोलते हैं, हाँ कोई बात नहीं, आप जंप लगाओ ताकि हमें एक कोने से कोई रोक भी ना पाए। तो पापा आप जंप नहीं लगाते, अंकल ने तो इरादा बदल ही दिया था। एंड देन हम देखते हैं वहाँ पर जो असिस्टेंट था वो बोलता है, सर अब तो बस कीजिए, अब कितना आप अपने बेटे की लाइफ को ख़राब करेगी। तो उसके बाद वो उसे बताता है कि आपकी जो वाइफ थी उनका एक उनकी एक बेटी हुई थी, आपको अच्छी तरह से पता है, लेकिन आपने कभी जानने की ट्राई नहीं किया कि वो बेटी जिंदा थी या फिर मर चुकी है। तो इसी बात की वजह से आपकी खुद की बेटी आपसे इतना नफरत करती है। ये सुनने के बाद वो बोलती कि क्या, तभी वो उसे बोलता है, हाँ सिंधु आपकी असली बेटी है, आपकी जो वाइफ मर चुकी थी उनकी असली बच्ची, जिन्होंने पैदा होने के बाद अपने दम तोड़ दिया था और उसके बाद उन्होंने अपनी छोटी बहन के साथ उसको छोड़ दिया, लेकिन आपको ऐसा फील हुआ कि उसने चीट करके किसी और के साथ बच्चा कर लिया, इसी बात की वजह से आपने उसे कभी ध्यान दिया नहीं है ना। और बाद में पता चला जो हमारा बंदा था एशियन, वो तो उसके बड़े भैया का बेटा था। बड़े भैया का बेटा मतलब उसका ही, और देखो प्यार तो बहुत करता था जेंग ईशन से भी, अपने बेटे से भी ज़्यादा। कभी उसे ये महसूस होने नहीं दिया कि उसका बेटा नहीं है, लेकिन रियलिटी ये थी कि उसकी भाभी का बेटा था। और वो इतना ज़्यादा कमिटेड था अपने भैया से कि वो ऐसे वादे से कि वो कभी भी अपने उसको अपने प्रॉमिस से पीछे नहीं हटा। और उसने ईशन को बहुत अच्छे से रखा और वो बोलता है, प्लीज़ अब तो ये सब कुछ बंद कीजिए, आपके दोनों ही बच्चे आपके साथ हैं, पहले ईशन आपका असली बेटा ना हो, लेकिन आपने कभी उसको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी, तो आप अपने खुद की बेटी के साथ ये नाइंसाफी क्यों कर रहे हो सर, बोल के उसे रोक देता है।
फाइनली अंकल जी मान गए। तो अगले सीन में दिखाया जाता है जो जेन था वो अपनी वाइफ का फोटो देख रहा होता है और उसके बाद वो बोल रहा था मैंने शायद तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा देखी है, आई एम सॉरी, ऐसा बोल के रो रहा होता है। तो हम देखते हैं अगले वाले सीन में, अब कुछ समय बाद दिखाया जाता है शायद ये बच्चे पैदा होने वाला ही वक्त था जहाँ पर इंगेजमेंट ख़त्म होने के बाद जो शिंदु थी वो काफ़ी थकी हुई बैठी हुई थी उसके पास आता है और वो बोलता है अरे अरे बेबी रुको आराम से। इसके बाद वो बोलती है ये सब तुम्हारी गलती है। ये सुनने के बाद शिन बोलता है मेरी गलती, मैंने क्या किया? तभी बोलती है कि अगर तुम ना होती तो मेरे साथ ऐसा कुछ ना हुआ होता। एक्चुअली वो अपने प्रेगनेंसी और इतने बड़े पेट के लिए उसे जिम्मेदार ठहरा रही है। हाँ थोड़ी थोड़ी वो भी जिम्मेदार था लेकिन ऐसी गालियाँ तो नहीं दे सकते ना अपने हस्बैंड को। और उसे बोलता है कि आई नो मेरी गलती है लेकिन अगली बार से ध्यान रखूंगा, अभी इतना गुस्सा मत करो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, तुम्हारा फोटो अच्छा नहीं आएगा। ये सुनने के बाद सीन लो उसे बोलती है ऐसे भी इंगेजमेंट में मेरा इतना खराब लुक तो आ चुका है, अब क्या चाहते हो? ये सुनने के बाद ईशन बोलता है ऐसी कोई बात नहीं, मेरी बेबी तो दुनिया में सबसे क्यूट है, बोल के उसे प्यार जता रहा होता है। सिंधु उसे बोलती है मैं तुम्हारी ऐसे चिबरे चुबरे बात में बिल्कुल भी नहीं आने वाली। और उसके बाद हो से ऐसे वहाँ पर एक बहुत प्यारा सा फ्लावर था और रिंग था और वो बोलता है ये देखो आज मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ। सिंधु कुछ बोलते उससे पहले उसे बहुत अजीब फील होता है और उसके बाद वो बोलती है मुझे लगता है मेरा लेबर पेन स्टार्ट होने वाला है, हेल्प करो मेरी। और उसके बाद मैं ठीक हूँ ये सुनिका तो बोलता है आई एम सॉरी ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, आगे से मैं ध्यान रखूँगा। फिर से वही बोल रहा था सिंधु बोलती है गलती मेरी है, मैंने तुम्हें पहली बार अप्रोच किया हुआ था और इतना कुछ हो गया। ऐसे होने के बाद एशियन बोलता है ऐसी बात नहीं है, असल में मुझे तुम तो पहली नज़र में पसंद आ गई थी, दरअसल ये दोनों बचपन में पहले भी मिल चुके थे जब वो 12-13 साल का था तो उसी टाइम पर पहली नज़र वाला प्यार उसे हो चुका था। और वो बोलता है बाद में तुम मेरी लाइफ में वापस आ गई तो मुझे पता था तुम कौन हो और मैं अपने आप को तुम्हारे नज़दीक जाने से कभी भी रोक नहीं पाया, तो तुम अकेले अपने आप को ब्लेम नहीं कर सकती। ये सुनने के बाद शिनलु बोलती है अगर मैं ना होती तो क्या होता तुम्हारी लाइफ में। ये सुनने के बाद ईशन बोलता है अगर तुम ना होती तो मुझे लगता है कोई और होता और वो बहुत अच्छा भी होता और उसके साथ में 2-4 बजे तो कर ही लेता, एटलीस्ट तुमसे तो 1 घंटे में भी तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हो रही है। ये सुनने के बाद उसका कान पकड़ के बोलते कि अच्छा मैं ना होती तो तुम किसी और के साथ 2-4 बच्चे कर लेते, इतने सपने देख रहे हो, मैं भूत बन के भी तुम्हारे सपने में आके तुम्हें रोक लेती। ये सुनने के बाद ईशन उसे ऐसे बोलता है अरे 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 मैं मजाक कर रहा था, क्या कर रही हो, छोड़ो 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 मैं, मुझे दर्द हो रहा है, ये देखो हमारा बच्चा क्या सोच रहा है, छोड़ो छोड़ो बोल के उसे छुड़वा रहा होता है। अब हम देखते हैं अगले वाले सीन में फिर से थोड़ा सा लीप वाला समय, मतलब सच्ची में लीप दिखाया जाता है जहाँ पर अब जो पापा होते हैं वो नॉर्मल हो चुके थे और उसके बाद सिंधु और ऐसे ईशन दोनों ही घर पे वापस आते हैं। और उसके बाद पापा बोलते हैं कहाँ पर है मेरा पोता, आज उसका बर्थडे है और तुम दोनों ऐसे दोनों साथ में और मेरा पोता कहाँ पर है? तभी ग्रैंडपा को उस लोग बोलते कि आ रहा होगा, तभी वहाँ पर जियान आया हुआ था, जियान फॉरेन शिप होने वाला था और इसीलिए वो यहाँ पर आखिरी बार सिंधु को बाय बोलने के लिए आया हुआ था। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है साली साहिबा समझ गए ना कौन, और जो जियान फोर ऐसे फूलों का बुके लेके आया हुआ था वो ऐसे हमारा बंदा बोलता है साली साहिबा ये लो ये तुम्हारे लिए जियान लेके आया था। ये सुनने के बाद वो बोलते कि क्या क्या बोल रहे जीजा जी, तभी वो बोलता है कि हाँ तुम्हारे लिए, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। ये सुनने के बाद वो बोलती कि नहीं नहीं आप पे तो भरोसा है लेकिन वो मेरे लिए फ्लावर क्यों लेके आएगा, इतना बड़ा सेलिब्रिटी है। ये सुनने के बाद वो उसे बोलता है कि तुम्हें नहीं पता सेलिब्रिटी लोग होते क्या है, होते कैसे है, वो लोग ना उस बंदी को पसंद करते हैं, लाइफ पार्टनर बनाना प्रीफर करते हैं जो बंदी बहुत स्वीट होती है, बहुत सिंपल होती है, उसके ऐसे रहन सहन बहुत ज़्यादा हाई फाई लाइफ से दूर हो। ये सुनने का तो बोलती कि अच्छा, और वो ऐसे जा रही थी और उसे में जियान के गोदी में गिर गए और इन दोनों का बहुत फनी सा मोमेंट बन जाता है और ऐसा रोमांटिक भी लग रहा था जो देखे तो हमारे दोनों कपल शॉक में आ जाते हैं। तो हम देखते हैं अब कुछ सालों पहले एक कायद के लिए वहाँ बेटी में लड़ाई हो रही थी, एक दूसरे के साथ खींच रहे थे बोल रहे थे कि ये मेरा है। और उसके बाद दादाजी बोलते हैं कि अब यहाँ पर मुझे समझ में आ नहीं रहा दोनों में से बच्चा कौन है। तो हमें पता चला सिंधु एक बार फिर से प्रेग्नेंट थी और उसके बाद वो ऐसे हंसता है ईशन और अब बोलता है लेकिन आपको नहीं लगता पापा दोनों काफ़ी क्यूट है। तभी दादाजी बोलते हैं
पता है ये बिल्कुल भी तुम्हारे तरह, जैसे तुम बचपन में थे और भैया के साथ जिस तरह से तुम लड़ाई किया करते थे और मेरे पास भाग के आके बोलते थे कि मैं तो आपके पास रहूँगा। ये सुनने के बाद वो बोलता है कि पापा जो बचपन में था उसको तो मैं नहीं बदल सकता, और आप भी प्लीज़ पास्ट को याद मत कीजिए क्योंकि अब बहुत कुछ सही हो चुका है। हम किसी भी चीज़ को नहीं बदल सकते लेकिन फ्यूचर को सही कर सकते हैं। और तभी वहाँ पर आता है उसका ईशन का बेटा दादाजी के पास बैठने के लिए, और वो बोलता है दादाजी आप लोग किसके बारे में बात कर रहे हो। और उसके बाद ईशन के सामने आती है सिंधु, और उसके बाद वो बोलता है कुछ नहीं आपके होने वाली जो छोटी सी सिस्टर है उसके बारे में बात कर रहे थे, बोल के स्माइल करती है। और ये सब सुनने के बाद सब लोग स्माइल करते हैं और इस तरह से ये ड्रामा ख़त्म हो गया। तो उम्मीद है आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई होगी, अगर आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आई होप पसंद आया होगा क्योंकि काफ़ी अच्छा ड्रामा था, काफ़ी ज़्यादा ऐसे होता है ना टक्कर के हीरो हीरोइन थे जिस वजह से मैंने इस ड्रामे को चूज़ किया हुआ था। कमेंट में कुछ बताना जरूर क्योंकि जितना आप लोग कमेंट करोगे इतना ही ज़्यादा मेरे वीडियो को यूट्यूब ज़्यादा लोगों के तक रिकमेंड करेगा। तो कुछ भी लिख लो लेकिन कमेंट में जरूर बताना कैसा लगा ड्रामा। मिलते हैं एक और नए ड्रामे के साथ, थैंक यू सो मच।